this channel does not promote or promotion any illegal activities all content provided by this channel is meant only for educational purpose only हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस youtube चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हॉलीवुड मूवी के बारे में तो दोस्तों अगर आप इस टीव टीज की फैन हो और इक्वलाइजर फिल्म मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहती हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलेगा द इक्वलाइजर ट्वेंटी फोर्टी की अमेरिकी विजिलैंड एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एंटोनी फोकआ की तरह निर्देशित और रिचर्ड वेंग की तरह लिखी थी द इक्वलाइजर थ्री की पेरी किस्त और इसी से को एटी की दशक की टीवी वी श्रृंखला पर आधारित है फिल्म में डैन जेल की वसी गठन मुख्य भूमिका में साथ ही मॉर्टन सोकास क्लोग्रेस मोरिटेट, डेविड हॉबर बिल पुलमैन और मिलेशिया लियो भी है फिल्म में एक शिवानिवृत्त अमरीकी मरीज और डी आई एजेंट एक किशोर तस्करी प्रेत को रूसी माफिया के सदस्यों से जाने के लिए अनिच्छा से कार्रवाई में लौटता है और मुख्य फोटोग्राफी मई से सितंबर 2030 थर्टी तक मैसाचुसेट्स में, में हुई द इक्वलाइजर का वित्त प्रीमियर ट्रेन सितंबर 2040 को 2040 फोर्टीन टोरोंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आयोजित किया गया और इसे और इसे 26 के लिए ही सितंबर 2040 को दुनिया भर की सिनेमाघारों में रिलीज किया गया था फिल्म को मिति समीक्षा मिली और समीक्षकों से और दुनिया भर में 192 मिलियन से आधी की कमाई की द एकवलाइजर टू नमक सिकवल ट्वेंटी जुलाई ट्वेंटी एटी को रिलीज किया गया था और द इक्वर थ्री वन सितम्बर ट्वेंटी टू थ्री को रिलीज किया गया था रॉबर्ट माइकल एक प्रो अमेरिकी मरीन और डी अधिकारी अब बोस्टन में एक शांत जीवन जीते हैं, जहां वह एक बड़े बॉक्स स्टोर में काम करते वह अपने सहकर्मी रल्फी को सुरक्षा गार्ड बनने के लिए प्रेरित करने में मदद करते सोने में असमर्थ रॉबर्ट अक्सर देर रात तक किसी रेस्तरा में पड़ते रहते समय के साथ रॉबोर्ट की रूसी माफिया की तरह तस्करी की गई एक किशोर यौन कर्मी टेरी से दोस्ती हो गई यह जो जुड़ी अक्सर उन किताबों के बारे में बात करती है जो वह पढ़ रहा है और रॉबर्ट का लक्ष्य है किताबें पढ़ने का है क्योंकि उसकी पत्नी ने पढ़ने का लक्ष्य बनाया था एक शाम टेडी ने बताया कि उसका असली नाम अलीना है और वह गायिका बनने का सपना देखती है रॉबर्ट और अलीना हटलने जाते लेकिन अलीना का दलाल सलामी स्लावी अचानक आता है अलीना को मारता है और उसे एक कार में जबरदस्ती बैठा लेता है उसका ड्राइवर गाड़ी चलाने से पहले रॉबर्ट को उनकी एस्कॉर्ट सेवा के लिए एक बिजनेस कार्ड देता है कुछ रातों के बाद बुरी तरह से घायल अलीना को पास के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया खबर सुनने पर रॉबर्ट वहाँ जाता है और अपनी दोस्त मैडी एक अन्य से सीखता है कि उसकी हालत के लिए सलावी ज़िम्मेदार है रॉबर्ट स्लावी और उसकी आदमियों को अपने रिसंतरा में पता है और जब वह नाइन एटी में अलीना की आज़ादी खरीदने की पेशकश करता है तो उसे साफ तौर से मना कर दिया जाता है वह कमरे और उनकी हथियारों का आकलन करते हैं अनुमान लगता है कि उन सभी को मारने में कितने सेकेंड लगेंगे और फिर ऐसा करता मरने से पहले आखिरी सेकेंड में स्लावी से बात करते हुए कहता है कि सलावी को सिर्फ पैसे लेने चाहिए थे उसे यह पता नहीं था कि सलावी और उसके लोग एक बहुत बड़े सीडी कैट का हिस्सा जिसका नेतृत्व रूसी कुलनवर्क वालिदी मीर पुसीकन कर रहे मुश्किल में पौरे तर्क डेटी रेंसन हमले की जांच के लिए बोस्टन पहुंचे मुसीकन की पेरोल पर बोस्टन पुलिस विभाग के जासूसों की सहायता से टेडी ने क्षेत्र में प्रतिद्वंदी गिरोह का प्रचार किया एक संदेश भेजने के लिए आयरिस भीड़ की लेफिट नेट लिटेन की जान लूनी को लगभग पीट पीट कर मार डाला रॉबर्ट अपराधियों पर सर तक दुर्सी से न्याय करना जारी रखता है जिसका उसे सामना करना पड़ता है वह दो भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को रल्फी की मां को रैकेट टियरिंग के पैसे लौटाने के लिए बैलेक कमेल करते हैं और हाईवे स्टोर को लूटने के बाद एक बंदूकधारी को हथौड़े से पीटते और उसकी मां से इसकर्मी की विरासत की अंगूठी ले लेता है टेडी ने मैडी को यह जानने के बाद मार डाला कि उसने रॉबर्ट के, के बारे में जानकारी छिपाई थी और अलीना के साथ अपनी दोस्ती के बारे में झूठ बोला था वह एक पुलिस जासूस बनकर रॉबर्ट से उसकी अपार्टमेंट में मिलने जाते लेकिन रॉबर्ट उसकी झांसे में नहीं आता टेडी ने चलने से पहले गला घोट दी गई की एक तस्वीर दिखाई और उसे चेतावनी के रूप में प्रस्तुत किया टेडी और उसका भाड़े का समूह दो मौके पर रॉबर्ट का उपहारण करने में असमर्थ है रॉबर्ट अपनी पूरी डी आई ए की सीवी हुई सुशांत प्लॉमर और उनकी पति बारियन से मिलने गए वह टेडी की पहचान करने के लिए सुशांत से मदद मांगते वह उसे पूरी कंस पे ऑपरेशन के बारे में बताती और टेडी का असली नाम निकोलाई इचिनको है जो स्पेट सनाज की ऑपरेटिव से रूसी गुप्त पुलिस एजेंट बन गए और सुशांत ने यह भी खुलासा किया कि निकोलाई ने बोस्टन पीढ़ी की दो जासूसों की हत्या कर दी और उनमें से फ्रेक मास्टर्स नाम के एक अन्य जासूस के बारे में कुछ दिनों से नहीं सुना गया था रॉबर्ट मास्टर्स का पता लगता है और उसे पुसिकन के मनी लॉन्ड्रिंग गोदामों में गोदामों में से एक को नष्ट करने में मदद करने की धमकी देते पुलिस की आने पर मास्टर्स और पूसी कर्म के लोगों को हिरासत में ले लिया गया और उन्हें रॉबर्ट की तरह पैसे का पालन करने के लिए छोड़ा गया एक नोटा मिला वह निकोलाई से दोबारा भीड़ते और धमकी देते हैं कि अगर उसने उसका पीछा करने जारी रखा तो वह और अधिक नुकसान पहुंचाएगा। बाद में उसने पूछी के दो तेल टैंकड़ों को नष्ट कर दिया जवाब में निकोलाई ने रॉबर्ट की सहकर्मियों को मिलने के लिए मजबूर करने के लिए हाइडवेयर स्टोर में उसका उपहारण कर लिया निकोलाई को आर्य हुआ रॉबर्ट निकोलाई के साथ बैठक में शामिल नहीं हुआ और उसके बजाय बंधकों की रक्षा करने वाले लोगों को मार डाला निकोलाई अपने आदमियों के साथ आता है लेकिन रॉबर्ट हाइट वेयर स्टोर में एक तरह किए गए तत्कालिक हथियारों से चुपचाप उन सभी को एक एक करके नष्ट कर देता है जैसे ही निकोलाई रोल्फी को मारने वाला होता है जो मदद के लिए पीछे रह गया था रॉबर्ट निकोलाई को गन से मार देता है तीन दिन बाद रॉबर्ट ने पुशिकन को अपनी मॉस्को हवेली में पाया उसके सभी गार्डों को मार डाला और उसे धोखे से बिजली का झटका देकर मार डाला कुछ समय बाद अलन ठीक होने के बाद रॉबर्ट के पास जाती है और बताती है कि उसने अपने अस्पताल के बिस्तर पर बचे पैसों से एक नया जीवन शुरू किया एलिना को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि रॉबर्ट ही अस्पताल में पैसे छोड़ गया था दूसरों की मदद करना जारी रखने के लिए प्रीत होगा रॉबर्ट डॉ इकवा लाइजर के रूप में ऑनलाइन विज्ञापन पोस्ट करते अप्रैल 25 में यह घोषणा की गई कि नर्मता मेस ने ने द इक्वाइजर की सर निर्माता माइकल स्लोअन के साथ साझेदारी है स्लोअन और नर्मता टोनी एली एलिड एक अन्य परियोजना पर काम करते समय त्रुंगला को फिल्म में बदलने का विचार लेकर आए थे उसी वर्ष दिसंबर में द वेनस्ट कंपनी ने एक फिल्म की विकसित करने के अधिकार हासिल कर लिए थे जून ट्वेंटी सेवेन में यह बताया गया कि माइकल कोनेली और टेरिले की फैक फोर को पटखरा लिखने के लिए नियुक्त किया गया था और पॉल मैक को निर्देशन करना था जून 2010 में यह घोषणा की गई थी कि रसोल को प्रॉल हैगिस के दौरान निर्देशी द इक्वलाइजर को बड़े पर्दे पर लाने की कोशिश कर रहे थे जिसमें क्रो रॉबर्ट मैकल की भूमिका निभाते चार निभाना चाहते थे दिसंबर ट्वेंटी इलाम यह बताया गया कि डैंगजल वर्सी गंटन फिल्म संस्कार की शेष भूमिका में अभिनय करेंगे जिसे सोनी पिक्चर्स इंटरटेनमेंट और एस्केप की ऑटी सटर्स के द्वारा वृत पोषित किया जाएगा ट्वेंटी में निकलस की वेडिंग रेफा ने रिमेक का कर निर्देशन करने के लिए बातचीत शुरू की लेकिन आगे कारणों से सोनी के साथ सौदा विफल हो गया ट्वेंटी की अस्कर विजेता फिल्म ट्रेनिंग डे पर उनके सफल सहयोग के बाद निर्देशन एंटोनी फुरकुआ 21 मार्च 2030 को निर्देशन के लिए ब्रोड पर आए और उन्होंने वसी घंटन के साथ फिर से काम किया प्रोग्रेस मैरिट को तीन मई ट्वेंटी थर्टी को सक कलाकार के रूप में घोषित किया गया था अन के लिए कि मैकडोनाल्ड और नीना डोबरि पर भी विचार किया गया ट्वे थर्टी वन मई ट्वेंटी थर्टी को मलेसिया लियो को फिल्में लाया गया लियो ने पहले वर्षीय गंडन के साथ ट्वेंटी ट्वेल्व फिल्म द फ्लाइट में और फकुआ के साथ लापसा की लापसा के लिए ही दोनों की ओल्पस हैज फॉलन ट्वेंटी थर्टी में काम किया स्वेक से लियो ने वास्तव में दर्द डिफेक्टर नमक मूल की इक्वलाइजर टेलीविजन त्रृंखला के सीजन एक एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई थी, थी। जिसमें उन्होंने एक प्रोसेवियत एजेंट की बेटी की भूमिका निभाई थी जो संयुक्त राज्य अमेरिका जाने के लिए मैकल की मदद लेती है ट्वेंटी मई को कास को कालायक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया मुख्य फोटोग्राफी मई ट्वेंटी थर्टी में हार्वेड हिल हैमी लटन इप्सवीच और सेवेमप कार सहित पूरे बोस्टर में विभिन्न स्थानों पर शुरू हुआ फिल्म सितम्बर ट्वेंटी थर्टी में पूरा हुआ उस दृश्य में जहां माइकल अपनी कार में मास्टर्स का दम घोटने का प्रयास करते हैं यह जगुआर सिंह है जो टेल पाइप में नली के शॉर्ट ट्रिप प्रकट होते हैं मूल टेलीविजन श्रृंखला में जगुआर का प्रसद रूप से उपयोग किया गया था 21 जून 2030 को हैरी ग्रेगसन की विलियम्स को फिल्म के लिए संगीत तैयार करने के लिए काम पर रखा गया था वर्सेस और बॉन्डी ने ट्वेंटी थ्री सितम्बर ट्वेंटी फोर्टीन को इक्वलाइजर के लिए एक साउंड एलबी की एल्बम जारी किया रेपर एनी नेम का गाना गुटस ओवर फेयर जिसमें सिया ने अभिनय किया और जिसका निर्माण अमिल हैनी ने किया है का फिल्म के टेलर में प्रीमियर किया गया गाना समापन क्रेडिट पर भी बजता है फिल्म की पहली आधिकारिक छवि सिक्स दिसंबर ट्वेंटी थर्टी को जारी की गई थी सिक्स अगस्त को सोनी ने से इलेवन अप्रैल ट्वेंटी फोर्टी की रिलीज की तारीखी योजना बनाई थी लेकिन फाइव जुलाई ट्वेंटी थर्टी को रिलीज की तारीख की ट्वेंटी सिक्स सितंबर तक बढ़ दी गई ट्वेंटी फोर्टी फिल्म का पहला आधिकारिक पोस्टर सिक्सटी अप्रैल ट्वेंटी फोर्टी को जारी किया गया था ट्वेंटी टू अप्रैल को यूएसए से टूडे ने फिल्म की तस्वीरें जारी की ट्वेंटी फोर मई को फिल्म का टेलर जारी किया गया था ट्वेल जून को फिल्म का एक और आधिकारिक टेलर जारी किया था सिक्सटी जुलाई को फिल्म का आईमैक्स पोस्टर जारी किया गया था फिल्म का प्रीमियर सितंबर 2040 को 2040 फोर्टी टोरोंटो टु इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आयोजित किया गया था सोनी ने ट्वेंटी सिक्स सितम्बर ट्वेंटी को दुनिया भर के सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज की द इक्वलाइजर को सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट की दरान 9 दिसंबर 2014 को ब्लू रे और डीवीडी पर रिलीज किया गया था बाद में इसी सिनेमाघरों में सिक्वल रिलीज होने से तीन दिन पहले टेन जुलाई 2018 को अल्ट्रा एस डी ब्लू रे पर रिलीज किया गया था एक्लाइजर ने उत्तरी अमेरिकी में वन वन फिफ मिलियन और अन्य क्षेत्रों में नाइन्टी एट मिलियन की कमाई की और दुनिया भर में वन 92 थ्री मिलियन की कमाई की इसका शुभ उत्पादन बजट फिफ्टीन 23 मिलियन के बीच अनुमानित था यह फिल्म संयुक्त ज अमरीका में 26 सितंबर सितम्बर को रिलीज़ हुई थी और अपनी पहली ओपनिंग नाइट में थ्री ट्वेंटी थ्री सिक्स थिएटरों में ट्वेल्व फाइव मिलियन डॉलर की कमाई की जिसमें गुरुवार रात के प्रदर्शन से टू सिक्सटी नाइन्टी थ्री से कमाए गए वन फोर्टी फाइव मिलियन डॉलर भी शामिल थे दूसरे दिन फिल्म ने थर्टी फाइव मिलियन डॉलर और तीसरे दिन 80 मिलियन डॉलर की कमाई की इसका शुरुआती दिन वाशिंगटन के लिए तीसरा सबसे बड़ा दिन है जो अमेरिकन गैंगस्टर फिफ्टी एट मिलियन और सेफ हाउस मिलियन के बारे अपने शुरुआती सप्ताह ने में फिल्म ने थ्री फोर वन मिलियन टेन एट सिक्सटी प्रति थिएटर कमाई और बॉक्स ऑफिस पर नंबर एक पर रही फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताह में बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े जिसमें सितंबर का सबसे बड़ा और रेटेड डेब्यू जैकस नंबर दो रिकॉर्ड ट्वेंटी नाइन मिलियन को पिछले छोड़ना सितंबर का सबसे बड़ा आई मैक्स ओपनर एंटोनी के लिए पंस हैस को है छोड़ते हुए सबसे बड़ी डेब्यू विकेट कमाई शामिल है फ्लॉड थर्टी मिलियन अप्रो द अमेरिकन गैंग गेस्ट फोर्टी थ्री सिक्स मिलियन सिर्फ हा हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हॉलीवुड मूवी के बारे में तो दोस्तों अगर आप इस टीस की फैन हो और इक्वलाइजर फिल्म मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहती हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा द इक्वलाइजर ट्वेंटी की अमेरिकी विजीलैंड एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एंटोनी फोकवा की तरह निर्देशित और रिचर्ड वेंग की लिखी था यह द इक्वलाइजर थ्री की पेरी किस्त और इसी सेंसर को उन्ना टी की दशक की टीवी श्रृंखला पर आधारित है फिल्म में डैन जेल की गठन मुख्य भूमिका में साथ ही मॉर्टन सोकास क्लोग्रेस मोरटेज डेविड हॉबर बेल पुलमैन और मिलेशियल लियो भी है फिल्म में एक शिवानी वृत अमरीकी मरीर और डी एजेंट एक किशोर तस्करी प्रेत को रूसी माफिया के सदस्यों से जाने के लिए अनिच्छा से कार्रवाई में लौटता है और मुख्य फोटोग्राफी मई से सितंबर 2030 तक मैसाचुसेट्स में हुई द इक्वलाइजर का विस्तृत प्रीमियर स्वेन सितंबर 2040 को 2040 फोर्टी टोरोंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आयोजित किया गया और इसी और इसी 26 के लिए ही सितंबर 2040 को दुनिया भर की सिनेमाघारों में रिलीज किया गया था फिल्म को मिती समीक्षा मिली और समीक्षकों से और दुनिया भर में 192 मिलियन से आधी की कमाई की द इक्लाइजर टू नामक सिकवल जुलाई 2020 को रिलीज किया गया था और द इक्लाइजर 3 वन सितंबर 2023 को रिलीज़ किया गया था रॉबर्ट माइकल एक प्रो अमेरिकी मरीन और डी ए डी सी एस अधिकारी अब बोस्टन में एक शांत जीवन जीते हैं, जहां वह एक बड़े बॉक्स स्टोर में काम करते वह अपने सहकर्मी को सुरक्षा गार्ड बनने के लिए प्रेरित करने में मदद करते सोने में असमर्थ रॉबर्ट अक्सर देर रात तक किसी रेस्तरा में पड़ते रहते समय के साथ रॉबोर्ट की रूसी माफिया की तरह तस्करी की गई एक किशो यौन कर्मी टेरी से दोस्ती हो गई अक्सर उन किताबों के बारे में बात करती है जो वह पढ़ा है और रॉबर्ट का लक्ष्य टेन हंड्रेड किताबें पढ़ने का है क्योंकि उसकी पत्नी ने पढ़ने का लक्ष्य बनाया था एक शाम टेडी ने बताया कि उसका असली नाम अलीना है और वह गायिका बनने का सपना देखती है रॉबर्ट और अलीना हट लेने जाते लेकिन अलीना का दलाल सलामी सलावी अचानक आता है अलीना को मारता है और उसे एक कार में जबरदस्ती बैठा लेता है उसका ड्राइवर गाड़ी चलाने से पहले रॉबर्ट को उनकी एस्कॉर्ट सेवा के लिए एक बिजनेस कार्ड देता है कुछ रातों के बाद बुरी तरह से घायल अलीना को पास के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया खबर सुनने पर रॉबर्ट वहाँ जाता है और अपनी दोस्त मैडी एक अनय से सीखता है कि उसकी हालत के लिए सलावी ज़िम्मेदार है रॉबर्ट स्लावी और उसकी आर्मियों को अपने रिसंतरा में पता है और जब वह नाइन एटी में अलीना की आज़ादी खरीदने की पेशकश करता है तो उसे साफ तौर से मना कर दिया जाता है वह कमरे और उनकी हथियारों का आकलन करता है अनुमान लगता है कि उन सभी को मारने में कितने सेकेंड लगेंगे और फिर ऐसा करता मरने से पहले आखिरी सेकेंड में स्लावी से बात करते हुए कहता है कि सलावी को सिर्फ पैसे लेने चाहिए थे उसे यह पता नहीं था कि सलावी और उसके लोग एक बहुत बड़े सीढ़ी कैट का हिस्सा जिसका नेतृत्व रूसी वर्ग वालिदी मीर पुशिकन कर रहे मुश्किल में पौरे तर्क डेटी रेंसन हमले की जांच के लिए बोस्टन पहुंचे मुसीकन की पेरोल पर बोस्टन पुलिस विभाग के जासूसों की सहायता से टेडी ने क्षेत्र में प्रतिद्वंदी गिरोह का प्रचार किया एक संदेश भेजने के लिए आयरिस भीड़ की लेफिट नेट लिटेन की जान लूनी को लगभग पीट पीट कर मार डाला रॉबर्ट अपराधियों पर सर तक दुरुस्ती से न्याय करना जारी रखता है जिसका उसे सामना करना पड़ता है वह दो भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को रल्फी की मां को रैकेट ट्रिंग के पैसे लौटाने के लिए बैले कमेल करते हैं और हाईवे स्टोर को लूटने के बाद एक बंदूकदारी को हथौड़े से पीटते हैं और उसकी माँ से एक सहकर्मी की विरासत की अंगूठी ले लेता है टेडी ने मैडी को यह जानने के बाद मार डाला कि उसने रॉबर्ट के बारे में जानकारी छिपाई थी और अलीना के साथ अपनी दोस्ती के बारे में झूठ बोला था वह एक पुलिस जासूस बनकर रॉबर्ट से उसकी अपार्टमेंट में मिलने जाते लेकिन रॉबर्ट उसकी झांसे में नहीं आता टेडी ने चलने से पहले गला घोट दी गई की एक तस्वीर दिखाई और उसे चेतावनी के रूप में प्रस्तुत किया टीडी और उसका भाड़े का समूह दो मौके पर रॉबर्ट का उपहारण करने में असमर्थ है रॉबर्ट अपनी पूरी डी आई ए की सुशांतर और उनकी पति बारियन से मिलने गए वह टेडी की पहचान करने के लिए सुशांत से मदद मांगते हैं। वह उसे पूरी कंस के ऑपरेशन के बारे में बताती और टेडी का असली नाम निकोलाई लाई है जो स्पेट सोनाज की ऑपरेटिव से रूसी गुप्त पुलिस एजेंट गए असुसान ने यह भी खुलासा किया कि निकोलाई ने बोस्टन पीडी की दो जासूसों की हत्या कर दी और उनमें से फ्रेक मास्टर्स नाम के एक अन्य जासूस के बारे में कुछ दिनों से नहीं सुना गया था। रॉबर्ट मास्टर्स का पता लगता है और उसे पुरसीकरण के मनी लॉन्ड्रिंग गोदामों में गोदामों में से एक को नष्ट करने में मदद करने की धमकी देते पुलिस की आने पर मास्टर्स और पूसी कर्म के लोगों को हिरासत में ले लिया गया और उन्हें रॉबर्ट की तरह पैसे का पालन करने के लिए छोड़ा गया एक नोटा मिला वह निकोलाई से दोबारा भीड़ते और धमकी देते हैं कि अगर उसने उसका पीछा करने जारी रखा तो वह और अधिक नुकसान पहुंचाएगा। बाद में उसने पूछी के दो तेल टैंकड़ों को नष्ट कर दिया जवाब में निकोलाई ने रॉबर्ट की सहकर्मियों को मिलने के लिए मजबूर करने के लिए हाइडवेयर स्टोर में उसका उपहारण कर लिया निकोलाई को आर्य हुआ रॉबर्ट निकोलाई के साथ बैठक में शामिल नहीं हुआ और उसके बजाय बंधकों की रक्षा करने वाले लोगों को मार डाला निकोलाई अपने आदमियों के साथ आता है लेकिन रॉबर्ट हाइट वेयर स्टोर में एक तरह किए गए तत्कालिक हथियारों से चुपचाप उन सभी को एक एक करके नष्ट कर देता है जैसे ही निकोलाई रॉल्फी को मारने वाला होता है जो मदद के लिए पीछे रह गया था रॉबर्ट निकोलाई को गन से मार देता है तीन दिन बाद रॉबर्ट ने पुशिकन को अपनी मॉस्को हवेली में पाया उसके सभी गार्डों को मार डाला और उसे धोखे से बिजली का झटका देकर मार डाला कुछ समय बाद अलन ठीक होने के बाद रॉबर्ट के पास जाती है और बताती है कि उसने अपने अस्पताल के बिस्तर पर बचे पैसों से एक नया जीवन शुरू किया एलिना को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि रॉबर्ट ही अस्पताल में पैसे छोड़ गया था दूसरों की मदद करना जारी रखने के लिए प्रीत होकर रॉबर्ट डॉ इकवा लाइजर के रूप में ऑनलाइन विज्ञापन पोस्ट करते अप्रैल ट्वेंटी फाइव में यह घोषणा की गई कि नर्मदा मेस नेफेल ने द इक्वा लाइजर की सर निर्माता माइकल स्लोअन के साथ साझेदारी की है स्लोअन और नर्मदा टोनी एली एलिड एक अन्य परियोजना पर काम करते समय त्रुंगला को फिल्म में बदलने का विचार लेकर आए थे उसी वर्ष दिसंबर में द वेनस्ट कंपनी ने एक फिल्म की विकसित करने के अधिकार हासिल कर लिए थे जून ट्वेंटी सेवेन में यह बताया गया कि माइकल को और टेरिले की फैक फोर को पटकटा लिखने के लिए नियुक्त किया गया था और पॉल मैक को निर्देशन करना था जून 2010 में यह घोषणा की गई थी कि रसोल को प्रॉल हैगिस के दौरान निर्देशी द इक्वलाइजर को बड़े पर्दे पर लाने की कोशिश कर रहे थे जिसमें क्रो रॉबर्ट मैकल की भूमिका निभाते चार दिसंबर यह कि डेंजल वर्सी गंटन फिल्म संस्कारम की शीर्ष भूमिका में अभिनय करेंगे जिसे सोनी पिक्चर्स इंटरटेनमेंट और एस्केप की ऑटी सटर्स के द्वारा वृत्त पोषित किया जाएगा ट्वेंटी ट्वेल्व में निकलस की वेडिंग रेफा ने रिमेक का निर्देशन करने के लिए बातचीत शुरू की लेकिन आज्ञा कारणों से सोनी के साथ सौदा विफल हो गया ट्वेंटी वन की अस्तर विजेता फिल्म ट्रेडिंग डे पर उनके सफल सहयोग के बाद निर्देशन एंटोनी फोरकुआ 21 मार्च 2030 को निर्देशन के लिए ब्रोड पर आए और उन्होंने वसी गंटन के साथ फिर से काम किया क्लोग्रेस मैरिटज को टीन मई ट्वेंटी थर्टी को सलाकार के रूप में घोषित किया गया था अना क्रेंडिंग लिए की मैकडोनाल्ड और नीना डोबरियों पर भी विचार किया गया ट्वे थर्टी वन मई ट्वेंटी थर्टी को मलेशिया लियो को फिल्में लाया गया लियो ने पहले वर्षी गंडन के साथ ट्वेंटी ट्वेल्व फिल्म द फ्लाइट में और फुकुआ के साथ लापसा की लापसा के लिए ही दोनों की ओल्पस हैज फॉलन ट्वेंटी थर्टी में काम किया स्वेक से लियो ने वास्तव में द डिफेक्ट नमक मूल की इक्वलाइजर टेलीविजन श्रृंखला के सीजन एक एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई थी जिसमें उन्होंने एक प्रोसेवियत एजेंट की बेटी की भूमिका निभाई थी जो संयुक्त राज्य अमरीका जाने के लिए मैकल की मदद लेती है ट्वेंटी मई को ने मॉर्टन को कालायक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया मुख्य फोटोग्राफी मई ट्वेंटी थर्टी में हार्वेड हिल हैमी लटन इप्सविच और सेवेमप कार सहित पूरे बोस्टर में स्थानों पर शुरू हुआ फिल्म का सितंबर ट्वेंटी थर्टी में पूरा हुआ उस दृश्य में जहां माइकल अपनी कार में मास्टर्स का दम घोटने का प्रयास करते हैं यह जगुआर सिंह से जो टेल पाइप में नली के शॉर्ट से प्रकट होते हैं मूल टेलीविजन श्रृंखला में जगुआर का प्रतिशत रूप से उपयोग किया गया था 21 जून 2030 को हैरी ग्रेगसन की विलियम्स को फिल्म के लिए संगीत तैयार करने के लिए काम पर रखा गया था वर्सेज और बॉन्डी ने ट्वेंटी थ्री सितम्बर ट्वेंटी फोर्टी को इक्वलाइजर के लिए एक साउंडिक एल्बी की एल्बम जारी किया रेपर एनी नेम का गाना गुटस ओवर फियर जिसमें सिया ने अभिनय किया और जिसका निर्माण अमिल हैनी ने किया है का फिल्म के ट्रेलर में प्रीमियर किया गया गाना समापन क्रेडिट पर भी बजता है फिल्म की पहली आधिकारिक छवि सिक्स दिसंबर 2030 को जारी की गई थी सिक्स अगस्त 2012 को सोनी ने मूल रूप से इलेवन अप्रैल 2040 की रिलीज की तारीख की योजना बनाई थी लेकिन फाइव जुलाई 2030 को रिलीज की तारीख की 26 सितंबर तक बढ़ दी गई 2040 फिल्म का पहला आधिकारिक पोस्टर 60 अप्रैल 2040 को जारी किया गया था 22 अप्रैल को यू से टूडे ने फिल्म की तस्वीरें जारी की 24 मई को फिल्म का टेलर जारी किया गया था 12 जून को फिल्म का एक और आधिकारिक टेलर जारी किया गया सिक्सटीन जुलाई को फिल्म का आईमैक्स पोस्टर जारी किया गया था फिल्म का प्रीमियर सीव सितंबर ट्वेंटी को ट्वेंटी टु फोर्टी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिटल में आयोजित किया गया था सोनी ने ट्वेंटी सिक्स सितम्बर ट्वेंटी फोर्टी को दुनिया भर के सिनेमागारों में फिल्म रिलीज की द इक्वलाइजर को सोनी पिक्चर्स होम इंटरटेनमेंट की दरान 9 दिसंबर 2014 को ब्लू रे और डीवीडी पर रिलीज किया गया था बाद में इसी सिनेमागारों में सिक्वल रिलीज होने से तीन दिन पहले 10 जुलाई 2018 को अल्ट्रा एस डी ब्लू रे पर रिलीज़ किया गया था एक्लाइजर ने उत्तरी अमेरिका में वन वन मिलियन और अन्य क्षेत्रों में 98 मिलियन की कमाई की और दुनिया भर में वन नाइन्टी थ्री मिलियन की कमाई की इसका शुभ उत्पादन बजट फिफ्टीन 23 मिलियन के बीच अनुमानित था यह फिल्म संयुक्त ज अमरीका में 26 सितंबर 2014 को रिलीज़ हुई थी और अपनी पहली ओपनिंग नाइट में थ्री ट्वेंटी थ्री सिक्स थिएटरों में ट्वेल्व फाइव मिलियन डॉलर की कमाई की जिसमें गुरुवार रात के प्रदर्शन से टू सिक्सटी नाइन्टी थ्री से कमाए गए वन फाइव मिलियन डॉलर भी शामिल थे दूसरे दिन फिल्म ने थर्टी फाइव मिलियन डॉलर और तीसरे दिन 80 मिलियन डॉलर की कमाई की इसका शुरुआती दिन वाशिंगटन के लिए तीसरा सबसे बड़ा दिन है जो अमेरिकन गैंगस्टर 58 मिलियन और सेफ हाउस मिलियन के बारे अपने शुरुआती सप्ताह ने में फिल्म ने थ्री फोर वन मिलियन टेन एट सिक्सटी प्रति थिएटर कमाई और बॉक्स ऑफिस पर नंबर एक पर रही फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताह में बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े जिसमें सितंबर का सबसे बड़ा और रेटेड डेब्यू जैकस नंबर दो रिकॉर्ड ट्वेंटी नाइन मिलियन को पिछले छोड़ना सितंबर का सबसे बड़ा आई मैक्स ओपनर एंटोनी के लिए को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी डेब्यू विकेट कमाई शामिल है फ्लॉन्ट थर्टी मिलियन अप्रो अमेरिकन अमेरिकन फोर्टी थ्री सिक्स मिलियन सिर्फ हाफ हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हॉलीवुड मूवी के बारे में तो दोस्तों अगर आप स्टीव टीस की फ़ैन हो और इक्वलाइजर फिल्म मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजे टेन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहती हूँ तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा द इक्वलाइजर ट्वेंटी की अमेरिकी विजीलैंड एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एंटोनी फोकवा की तरह निर्देशित और रिचर्ड वेंग की तरह लिखी था यह द इक्वलाइजर थ्री की पेरी किस्त और इसी सेंसर को उन्ना टी की के की टीवी श्रृंखला पर आधारित है फिल्म में डैन जेल की गठन मुख्य भूमिका में साथ ही मॉर्टन सोकास क्लोग्रेस मोरिटेट डेविड हॉबर बेल पुलमैन और मिलेशियल लियो भी है फिल्म में एक शिवानी वृत अमरीकी मरीर और डी एजेंट एक किशोर तस्करी प्रेत को रूसी माफिया के सदस्यों से जाने के लिए अनिच्छा से कार्रवाई में लौटता है और मुख्य फोटोग्राफी मई से सितंबर 2030 तक मैसा चूसेट्स में हुई द इक्वलाइजर का विस्तृत प्रीमियर स्वीन सितंबर 2040 को 2040 फोर्टी टोरोंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आयोजित किया गया और इसी और इसी 26 के लिए ही सितंबर 2040 को दुनिया भर की सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था फिल्म को मिट्टी समीक्षा मिली और समीक्षकों से और दुनिया भर में वन टू मिलियन से अधिक की कमाई की द इक्वलाइजर टू नमक सिक्वल ट्वेंटी जुलाई ट्वेंटी एटी को रिलीज किया गया था और द इक्वलाइजर थ्री वन सितंबर ट्वेंटी टू थ्री को रिलीज किया गया था रॉबर्ट मैकल एक प्रो अमेरिकी मरीन और डी अधिकारी अब बोस्टन में एक शांत जीवन जीते है जहाँ वह एक बड़े बॉक्स स्टोर में काम करते वह अपने सहकर्मी रल्फी को सुरक्षा गार्ड बनने के लिए प्रेरित करने में मदद करते सोने में असमर्थ रॉबर्ट अक्सर देर रात तक किसी रेस्तरा में पड़ते रहते समय के साथ रॉबोर्ट की रूसी माफिया की तरह तस्करी की गई एक किशोर यौन कर्मी टेरी से दोस्ती हो गई यो अक्सर उन किताबों के बारे में बात करती करते हैं जो वह पढ़ रहे और रॉबर्ट का लक्ष्य 1000 किताबें पढ़ने का है क्योंकि उसकी पत्नी ने पढ़ने का लक्ष्य बनाया था एक शाम टेडी ने बताया कि उसका असली नाम अलीना है और वह गायिका बनने का सपना देखती है रॉबर्ट और अलीना हटलेने जाते लेकिन अलीना का दलाल सलामी सलावी अचानक आता है अलीना को मारता है और उसे एक कार में जबरदस्ती बैठा लेता है उसका ड्राइवर गाड़ी चलाने से पहले रॉबर्ट को उनकी एस्कॉर्ट सेवा के लिए एक बिजनेस कार्ड देता है कुछ रातों के बाद बुरी तरह से घायल अलीना को पास के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया खबर सुनने पर रॉबर्ट वहां जाता है और अपनी दोस्त मैडी एक अनय से सीखता है कि उसकी हालत के लिए सलावी जिम्मेदार है रॉबर्ट स्लावी और उसकी आर्मियों को अपने रिश्तरा में पता है और जब वह 980 में अलीना की आज़ादी खरीदने की पेशकश करता है तो उसे साफ तौर से मना कर दिया जाता है वह कमरे और उनकी हथियारों का आकलन करते हैं अनुमान लगता है कि उन सभी को मारने में कितने सेकेंड लगेंगे और फिर ऐसा करता मरने से पहले आखिरी सेकेंड में इसलावी से बात करते हुए कहता है कि सलावी को सिर्फ पैसे लेने चाहिए थे उसे यह पता नहीं था कि सलावी और उसके लोग एक बहुत बड़े सीढ़ी कैट का हिस्सा जिसका नेतृत्व रूसी कुलनवर् वालिदी मीर पुशिकन कर रहे मुश्किल में पौरे तर्क डेटी रेंसन हमले की जांच के लिए बोस्टन पहुंचे मुसीकन की पेरोल पर बोस्टन पुलिस विभाग के जासूसों की सहायता से टेडी ने क्षेत्र में प्रतिद्वंदी गिरोह का प्रचार किया इस संदेश भेजने के लिए आयरिस भीड़ की लेफिटनेट लिटेन की जान लूनी को लगभग पीट पीट कर मार डाला रॉबर्ट अपराधियों पर तक दुरुस्ती से न्याय करना जारी रखता है जिसका उसे सामना करना पड़ता है वह दो भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को रल्फी की मां को रैकेट के पैसे लौटाने के लिए कमेल करते हैं और हाईवे स्टोर को लूटने के बाद एक बंदूकाधारी को हथौड़े से पीटते और उसकी माँ से एक सहकर्मी की विरासत की अंगूठी ले, ले लेता है टेडी ने मेडियो को यह जान के बाद मार डाला कि उसने रॉबर्ट के बारे में जानकारी छिपाई थी और अलीना के साथ अपनी दोस्ती के बारे में झूठ बोला था वह एक पुलिस जासूस बनकर रॉबर्ट से उसकी अपार्टमेंट में मिलने जाते हैं लेकिन रॉबर्ट उसकी झांसे में नहीं आता टेडी ने चलने से पहले गला घोट दी गई मैडी की एक तस्वीर दिखाई और उसे चेतावनी के रूप में प्रस्तुत किया टीडी और उसका भाड़े का समूह दो मौके पर रॉबर्ट का उपहारण करने में असमर्थ है रॉबर्ट अपनी पूरी डी आई ए की सीवी हुई सुशांत प्लमर और उनकी पति बारियन से मिलने गए वह टेडी की पहचान करने के लिए सुशांत से मदद मांगते वह उसे पूछती कंस के ऑपरेशन के बारे में बताती और टीडी का असली नाम निकोलाई लाई है जो स्पेट सोनाज की ऑपरेटिव से रूसी गुप्त पुलिस एजेंट बन गए और सुशांत ने यह भी खुलासा किया कि निकोलाई ने बोस्टन पीढ़ी की दो जासूसों की हत्या कर दी और उनमें से फ्रेक मास्टर्स नाम के एक अन्य जासूस के बारे में कुछ दिनों से नहीं सुना गया था रॉबर्ट मास्टर्स का पता लगते और उसे पूछी के मनी लॉन्ड्रिंग गोदामों में गोदामों में से एक को नष्ट करने में मदद करने की धमकी देते पुलिस की आने पर मास्टर्स और पूसी कर्म के लोगों को हिरासत में ले लिया गया और उन्हें रॉबर्ट की तरह पैसे का पालन करने के लिए छोड़ा गया एक नोटा मिला वह निकोलाई से दोबारा भीड़ते और धमकी देते हैं कि अगर उसने उसका पीछा करने जारी रखा तो वह और अधिक नुकसान पहुंचाएगा। बाद में उसने पूछी के दो तेल टैंकड़ों को नष्ट कर दिया जवाब में निकोलाई ने रॉबर्ट की सहकर्मियों को मिलने के लिए मजबूर करने के लिए हाइडवेयर स्टोर में उसका उपहारण कर लिया निकोलाई को आर्य हुआ रॉबर्ट निकोलाई के साथ बैठक में शामिल नहीं हुआ और उसके बजाय बंधकों की रक्षा करने वाले लोगों को मार डाला निकोलाई अपने आदमियों के साथ आता है लेकिन रॉबर्ट वेयर स्टोर में एक तरह किए गए तत्कालिक हथियारों से चुपचाप उन सभी को एक एक करके नष्ट कर देता है जैसे ही निकोलाई रोल्फी को मारने वाला होता है जो मदद के लिए पीछे रह गया था रॉबर्ट निकोलाई को नेल गन से मार देता है तीन दिन बाद रॉबर्ट ने पुस्तिकन को अपनी मॉस्को हवेली में पाया उसके सभी गार्डों को मार डाला और उसे धोखे से बिजली का झटका देकर मार डाला कुछ समय बाद अलन ठीक होने के बाद रॉबर्ट के पास जाती है और बताती है कि उसने अपने अस्पताल के बिस्तर पर बचे पैसों से एक नया जीवन शुरू किया एलिना को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि रॉबर्ट ही अस्पताल में पैसे छोड़ गया था दूसरों की मदद करना जारी रखने के लिए प्रीत होकर रॉबर्ट डॉ इकवा लाइजर के रूप में ऑनलाइन विज्ञापन पोस्ट करते अप्रैल 25 में यह घोषणा की गई कि नर्मता मेस ने फिल्ड ने द इक्वाइजर की सरनिर्माता माइकल माइकल्स ऑन के साथ साझेदारी है। स्लोन और नर्मता टोनी एली एलिड्रॉन्ज एक अन्य परियोजना पर काम करते समय त्रृंगला को फिल्म में बदलने का विचार लेकर आए थे उसी वर्ष दिसंबर में द वेन कंपनी ने एक फिल्म की विकसित करने के अधिकार हासिल कर लिए थे जून ट्वेंटी सिवेर में यह बताया गया कि माइकल कोनेली और टेरिले की फैक फोर को पटकटा लिखने के लिए नियुक्त किया गया था और पॉल मैक को निर्देशन करना था जून 2010 में यह घोषणा की गई थी कि रसोल को प्रॉल हैगिस के दौरान निर्देशित द दे इक्वलाइजर को बड़े पर्दे पर लाने की कोशिश कर रहे थे जिसमें क्रो रॉबर्ट मैकल की भूमिका निभाते चार निभाना चाहते थे दिसंबर ट्वेंटी इलाम यह बताया गए कि डैंगजल वर्सी गंटन फिल्म संस्कार की शीर्ष भूमिका में अभिनय करेंगे जिसे सोनी पिक्चर्स इंटरटेनमेंट और एस्केप की ऑटी सटर्स के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा 2012 में निकलस की वेडिंग रेफा ने रिमेक का कर निर्देशन करने के लिए बातचीत शुरू की लेकिन आगे कारणों से सोनी के साथ सौदा विफल हो गया ट्वेंटी की अस्कर विजेता फिल्म ट्रेनिंग डे पर उनके सफल सहयोग के बाद निर्देशन एंटोनी फुरकुआ 21 मार्च 2030 को निर्देशन के लिए ब्रोड पर आए और उन्होंने वसी घंटन के साथ फिर से काम किया प्रोग्रेस मैरिटेज को टीन मई ट्वेंटी थर्टी को सक कलाकार के रूप में घोषित किया गया था क्रेडिट के लिए कि मैकडोनाल्ड और नीना डोबरे पर भी विचार किया गया ट्वे थर्टी वन मई ट्वेंटी थर्टी को मलेसिया लियो को फिल्में लाया गया लियो ने पहले बार गंडन के साथ ट्वेंटी ट्वेल्व फिल्म द फ्लाइट में और फुकुआ के साथ लापसा की लापसा के लिए ही दोनों की ओल्पस हैज फॉलन ट्वेंटी थर्टी में काम किया स्वेक से लियो ने वास्तव में दर्द डिफेक्ट नमक मूल की इक्वलाइजर टेलीविजन त्रृंखला के सीजन एक एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई थी, थी। जिसमें उन्होंने एक प्रोसेवियत एजेंट की बेटी की भूमिका निभाई थी जो संयुक्त राज्य अमेरिका जाने के लिए मैकल की मदद लेती है ट्वेंटी मई को ने मॉटर्न को कालायक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया मुख्य फोटोग्राफी मई ट्वेंटी थर्टी में हार्वेड हिल हैमिल्टन इप्सविच और सेवेमप कार सहित पूरे बोस्टर में विभिन्न स्थानों पर शुरू हुआ फिल्म सितंबर ट्वेंटी थर्टी में पूरा हुआ उस दृश्य में जहां माइकल अपनी कार में मास्टर्स का दम घोटने का प्रयास करते हैं यह जगुआर सिंह से जो टेल पाइप में नली के शॉर्ट से प्रकट होते हैं मूल टेलीविजन श्रृंखला में जगुआर का प्रिशद रूप से उपयोग किया गया था 21 जून 2030 को हैरी ग्रेगसन की विलियम्स को फिल्म के लिए संगीत तैयार करने के लिए काम पर रखा गया था वर्सेस और बॉन्डी ने ट्वेंटी सितंबर 2040 को इक्वलाइजर के लिए एक साउंडिक एलबी की एल्बम जारी किया रेपर एनी नेम का गाना गुटस ओवर फियर जिसमें सिया ने अभिनय किया और जिसका निर्माण अमिल हैनी ने किया फिल्म के टेलर में प्रीमियर किया गया गाना समापन क्रेडिट पर भी बजता है। फिल्म की पहली आधिकारिक छवि 6 दिसंबर 2030 को जारी की गई थी। 6 अगस्त 2022 को स्टोनी ने मूल रूप से 11 अप्रैल 2040 की रिलीज की तारीख की योजना बनाई थी, लेकिन 5 जुलाई 2030 को रिलीज की तारीख की 26 सितंबर तक बढ़ दी गई 2040 फिल्म का पहला आधिकारिक पोस्टर 60 अप्रैल 2040 को जारी किया गया था 22 अप्रैल को यूएसए एस से ने फिल्म की तस्वीरें जारी की 24 मई को फिल्म का टेलर जारी किया गया था ट्वेल्थ जून को फिल्म का एक और आधिकारिक टेलर जारी किया गया सिक्सटीन जुलाई को फिल्म का आईमैक्स पोस्टर जारी किया गया था फिल्म का प्रीमियर सितंबर ट्वेंटी फोर्टीन को ट्वेंटी फोर्टीन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिटल में आयोजित किया गया था सोनी ने ट्वेंटी सिक्स सितम्बर ट्वेंटी को दुनिया भर के सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज की द इक्वलाइजर को सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट की दरान 9 दिसंबर 2014 को ब्लू रे और डीवीडी पर रिलीज किया गया था बाद में इसी सिनेमागारों में सिक्वल रिलीज होने से तीन दिन पहले 10 जुलाई 2018 को अल्ट्रा एस डी ब्लू रे पर रिलीज किया गया था एक्लाइजर ने उत्तरी अमेरिकी में वन वन मिलियन और अन्य क्षेत्रों में 98 मिलियन की कमाई की और दुनिया भर में वन 92 टू मिलियन की कमाई की इसका शुभ उत्पादन बजट फिफ्टीन 23 मिलियन के बीच अनुमानित था यह फिल्म संयुक्त ज अमरीका में 26 सितंबर 2014 को रिलीज़ हुई थी और अपनी पहली ओपनिंग नाइट में थ्री ट्वेंटी थ्री सिक्स की थिएटरों में ट्वेल्व फाइव मिलियन डॉलर की कमाई की जिसमें गुरुवार रात के प्रदर्शन से टू सिक्सटी नाइन्टी थ्री से कमाए गए वन फाइव मिलियन डॉलर भी शामिल थे दूसरे दिन फिल्म ने थर्टी फाइव मिलियन डॉलर और तीसरे दिन 80 मिलियन डॉलर की कमाई की इसका शुरुआती दिन वाशिंगटन के लिए तीसरा सबसे बड़ा दिन है जो अमेरिकन गैंगस्टर 58 मिलियन और सेफ हाउस मिलियन के बारे अपने शुरुआती सप्ताह ने में फिल्म ने थ्री फोर वन मिलियन टेन एट सिक्सटी प्रति थिएटर कमाई और बॉक्स ऑफिस पर नंबर एक पर रही फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताह में बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े जिसमें सितंबर का सबसे बड़ा और रेटेड डेब्यू जैकस नंबर दो रिकॉर्ड ट्वेंटी नाइन मिलियन को पिछले छोड़ना सितंबर का सबसे बड़ा आई मैक्स ओपनर एंटोनी के लिए ओल हैस को है छोड़ते हुए सबसे बड़ी डेब्यू विकेट कमाई शामिल है फ्लॉन थर्टी मिलियन अप्रो द अमेरिकन गैंगस्टर और फोर्टी थ्री सिक्स मिलियन सिर्फ हाफ हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हॉलीवुड मूवी के बारे में तो दोस्तों अगर आप इस टेव टीज की फैन हो और इक्वलाइजर फिल्म मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहती हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा द इक्वलाइजर ट्वेंटी की अमेरिकी विजीलैंड एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एंटोनी फोकवा की तरह निर्देशित और रिचर्ड विंग की तरह लिखी थी द इक्वलाइजर थ्री की पेरी किस्त और इसी सिंह को नाइनटी एटी की दशक की टीवी श्रृंखला पर आधारित है फिल्म में डैन जेल की वसी मुख्य भूमिका में साथ ही मॉर्टन सोकास क्लोग्रेस मोरिटेट डेविड हॉबर बेल पुलमैन और मिलेशिया लियो भी है फिल्म में एक शिवानिवृत्त अमरीकी मरीर और डी आई एजेंट एक किशोर तस्करी प्रेत को रूसी माफिया के सदस्यों से जाने के लिए अनिच्छा से कार्रवाई में लौटता है और मुख्य फोटोग्राफी मई से सितंबर 2030 थर्टी तक मैसाचुसेट्स में, में हुई द इक्वलाइजर का विश्व प्रीमियर सितंबर 2040 को 2040 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आयोजित किया गया और इसे और इसी 26 के लिए ही सितंबर 2040 को दुनिया भर की सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था फिल्म को मीति समीक्षा मिली और समीक्षकों से और दुनिया भर में वन टू मिलियन से अधिक की कमाई की द इक्वलाइजर टू नमक सिक्वल ट्वेंटी जुलाई ट्वेंटी एटी को रिलीज किया गया था और द इक्वलाइजर थ्री वन सितम्बर ट्वेंटी टू थ्री को रिलीज किया गया था रॉबर्ट मैकर एक प्रो अमेरिकी मरीन और डी अधिकारी अब बोस्टन में एक शांत जीवन जीते हैं जहां वह एक बड़े बॉक्स स्टोर में काम करते वह अपने सहकर्मी रल्फी को सुरक्षा गार्ड बनने के लिए प्रेरित करने में मदद करते सोने में असमर्थ रॉबर्ट अक्सर देर रात तक किसी रेस्तरा में पड़ते रहते समय के साथ रॉबोर्ट की रूसी माफिया की तरह तस्करी की गई एक किशोर यौन कर्मी टेरी से दोस्ती हो गई यह जो जुड़ी अक्सर उन किताबों के बारे में बात करती है जो वह पढ़ रहे हैं। और रॉबर्ट का लक्ष्य है किताबें पढ़ने का है क्योंकि उसकी पत्नी ने पढ़ने का लक्ष्य बनाया था एक शाम टेडी ने बताया कि उसका असली नाम अलीना है और वह गायिका बनने का सपना देखती है रॉबर्ट और अलीना हटलने जाते लेकिन अलीना का दलाल सलामी स्लावी अचानक आता है अलीना को मारता है और उसे एक कार में जबरदस्ती बैठा लेता है उसका ड्राइवर गाड़ी चलाने से पहले रॉबर्ट को उनकी एस्कॉर्ट सेवा के लिए एक बिजनेस कार्ड देता है कुछ रातों के बाद बुरी तरह से घायल अलीना को पास के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया खबर सुनने पर रॉबर्ट वहाँ जाता है और अपनी दोस्त मैडी एक अन्य व्यस्त से सीखता है कि उसकी हालत के लिए सलावी ज़िम्मेदार है रॉबर्ट स्लावी और उसकी आदमियों को अपने रेसंतरा में पता है और जब वह नाइन एटी में अलीना की आज़ादी खरीदने की पेशकश करता है तो उसे साफ तौर से मना कर दिया जाता है वह कमरे और उनकी हथियारों का आकलन करते हैं अनुमान लगता है कि उन सभी को मारने में कितने सेकेंड लगेंगे और फिर ऐसा करता मरने से पहले आखिरी सेकेंड में इस से बात करते हुए कहता है कि सलावी को सिर्फ पैसे लेने चाहिए थे उसे यह पता नहीं था कि सलावी और उसके लोग एक बहुत बड़े कैट का हिस्सा जिसका नेतृत्व रूसी की वालिदी मीर पुशिकन कर रहे मुश्किल में पौरे तर्क डेटी रेंसन हमले की जांच के लिए बोस्टन पहुंचे मुसीकन की पेरोल पर बोस्टन पुलिस विभाग के जासूसों की सहायता से टेडी ने क्षेत्र में प्रतिद्वंदी गिरोह का प्रचार किया इस संदेश भेजने के लिए आयरिस भीड़ की लेफिटनेट लिटेन की जान लूनी को लगभग पीट पीट कर मार डाला रॉबर्ट अपराधियों पर सर तक दुरुस्ती से न्याय करना जारी रखता है जिसका उसे सामना करना पड़ता है वह दो भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को रल्फी की मां को रैकेट ट्ररिंग के पैसे लौटाने के लिए बैलक कमेल करते हैं और हाईवे स्टोर को लूटने के बाद एक बंदूकदारी को हथौड़े से पीटते हैं और उसकी माँ से एक सरकर्मी की विरासत की अंगूठी ले लेता है टेडी ने मैडी को यह जानने के बाद मार डाला कि उसने रॉबर्ट के, के बारे में जानकारी छिपाई थी और अलीना के साथ अपनी दोस्ती के बारे में झूठ बोला था वह एक पुलिस जासूस बनकर रॉबर्ट से उसकी अपार्टमेंट में मिलने जाता है लेकिन रॉबर्ट उसकी झांसे में नहीं आता टेडी ने चलने से पहले गला घोट दी गई की एक तस्वीर दिखाई और उसे चेतावनी के रूप में प्रस्तुत किया टेडी और उसका भाड़े का समूह दो मौके पर रॉबर्ट का उपहारण करने में असमर्थ है रॉबर्ट अपनी पूरी डी आई ए की सीए हुई सुशांत प्लमर और उनकी पति बारियन से मिलने गए वह टेडी की पहचान करने के लिए सुशांत से मदद मांगते हैं। वह उसे पूछती कंस के ऑपरेशन के बारे में बताती और टेडी का असली नाम निकोलाई लाई है जो स्पेट सोनाज की ऑपरेटिव से रूसी गुप्त पुलिस एजेंट बन गए और सुशांत ने यह भी खुलासा किया कि निकोलाई ने बोस्टन पीडी की दो जासूसों की हत्या कर दी और उनमें से फ्रेक मास्टर्स नाम के एक अन्य जासूस के बारे में कुछ दिनों से नहीं सुना गया था रॉबर्ट मास्टर्स का पता लगते और उसे पुसिकन के मनी लॉन्ड्रिंग गोदामों में गोदामों में से एक को नष्ट करने में मदद करने की धमकी देते पुलिस की आने पर मास्टर्स और पूसी कर्म के लोगों को हिरासत में ले लिया गया और उन्हें रॉबर्ट की तरह पैसे का पालन करने के लिए छोड़ा गया एक नोटा मिला वह निकोलाई से दोबारा भीड़ते और धमकी देते हैं कि अगर उसने उसका पीछा करने जारी रखा तो वह और अधिक नुकसान पहुंचाएगा। बाद में उसने पूछी करके दो तेल टैंकड़ों को नष्ट कर दिया जवाब में निकोलाई ने रॉबर्ट की सहकर्मियों को मिलने के लिए मजबूर करने के लिए हाइडवेयर स्टोर में उसका उपहारण कर लिया निकोलाई को आर्या हुआ रॉबर्ट निकोलाई के साथ बैठक में शामिल नहीं हुआ और उसके बजाय बंधकों की रक्षा करने वाले लोगों को मार डाला निकोलाई अपने आदमियों के साथ आता है लेकिन रॉबर्ट वेयर स्टोर में एक तरह किए गए तत्कालिक हथियारों से चुपचाप उन सभी को एक एक करके नष्ट कर देता है जैसे ही निकोलाई रोल्फी को मारने वाला होता है जो मदद के लिए पीछे रह गया था रॉबर्ट निकोलाई को नेल गन से मार देता है तीन दिन बाद रॉबर्ट ने पुशिकन को अपनी मॉस्को हवेली में पाया उसके सभी गार्डों को मार डाला और उसे धोखे से बिजली का झटका देकर मार डाला कुछ समय बाद अलन ठीक होने के बाद रॉबर्ट के पास जाती है और बताती है कि उसने अपने अस्पताल के बिस्तर पर बचे पैसों से एक नया जीवन शुरू किया एलिना को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि रॉबर्ट ही अस्पताल में पैसे छोड़ गया था दूसरों की मदद करना जारी रखने के लिए प्रीत होकर रॉबर्ट डॉ इकवा लाइजर के रूप में ऑनलाइन विज्ञापन पोस्ट करते अप्रैल ट्वेंटी फाइव में यह घोषणा की गई कि नर्मदा मेस ने फिल्ड ने द इक्वाइजर की सर निर्माता माइकल स्लो के साथ साझेदारी की है स्लो और नर्मदा टोनी एली ड्रॉन एक अन्य परियोजना पर काम करते समय त्रृंगला को फिल्म में बदलने का विचार लेकर आए थे उसी वर्ष दिसंबर में द वईस्ट कंपनी ने एक फिल्म की विकसित करने के अधिकार हासिल कर लिए थे जून ट्वेंटी सेवेन में यह बताया गया कि माइकल कोनेली और टेरिले की फैक फोर को पटकटा लिखने के लिए नियुक्त किया गया था और पॉल मैक को निर्देशन करना था जून 2010 में यह घोषणा की गई थी कि रसोल को प्रॉल हैगिस के दौरान निर्देशी द दे इक्वलाइजर को बड़े पर्दे पर लाने की कोशिश कर रहे थे जिसमें क्रो रॉबर्ट मैकल की भूमिका निभाते चार निभाना चाहते थे दिसंबर ट्वेंटी इलाम यह बताया गया कि डैंगजल वर्सी गंटन फिल्म संस्कार की शेष भूमिका में अभिनय करेंगे जिसे सोनी पिक्चर्स इंटरटेनमेंट और एस्केप की ऑटी सटर्स के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा ट्वेंटी ट्वेल्व में निकलस की वेडिंग रेफा ने का कर निर्देशन करने के लिए बातचीत शुरू की लेकिन आगे कारणों से सोनी के साथ सौदा विफल हो गया ट्वेंटी वन की अस्कर विजेता फिल्म ट्रेनिंग डे पर उनके सफल सहयोग के बाद निर्देशन एंटोनी फुरकुआ 21 मार्च 2030 को निर्देशन के लिए ब्रोड पर आए और उन्होंने वसी गंटन के साथ फिर से काम किया प्रोग्रेस मैरिटेज को टीन मई ट्वेंटी थर्टी को सक कलाकार के रूप में घोषित किया गया था क्रेडिट के लिए कि मैकडोनाल्ड और नीना डोबरि पर भी विचार किया गया ट्वे थर्टी वन मई ट्वेंटी थर्टी को मलेसिया लियो को फिल्म लाया गया लियो ने पहले वर्षीय गंडन के साथ ट्वेंटी ट्वेल्व फिल्म द फ्लाइट में और फुकुआ के साथ लापसा की लापसा के लिए ही दोनों की ओल्पस हैज फॉलन ट्वेंटी थर्टी में काम किया स्वेक से लियो ने वास्तव में दौड़ डिफेक्टर नमक मूल की इक्वलाइजर टेलीविजन त्रृंखला के सीजन एक एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई थी, थी। जिसमें उन्होंने एक प्रोसेवियत एजेंट की बेटी की भूमिका निभाई थी जो संयुक्त रजय अमेरिका जाने के लिए मैकल की मदद लेती है ट्वेंटी मई को ने तस को खलायक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया मुख्य फोटोग्राफी मई ट्वेंटी थर्टी में हार्वेड हेल हैमी लटन इप्सविच और सेवेमप कार सहित पूरे बोस्टर में विभिन्न स्थानों पर शुरू हुआ फिल्म सितंबर ट्वेंटी थर्टी में पूरा हुआ उस दृश्य में जहां माइकल अपनी कार में मास्टर्स का दम घोटने का प्रयास करते हैं यह जगुआर सिंह से जो टेल पाइप में नली के शॉर्ट ट्रिप प्रकट होते हैं मूल टेलीविजन श्रृंखला में जगुआर का प्रिशद रूप से उपयोग किया गया था 21 जून 2030 को हैरी ग्रेगसन की विलियम्स को फिल्म के लिए संगीत तैयार करने के लिए काम पर रखा गया था वर्सेस और बॉन्डी ने ट्वेंटी थ्री सितम्बर ट्वेंटी फोर्टीन को इक्वलाइजर के लिए एक साउंड एलबी की एल्बम जारी किया रेपर एनी नेम का गाना गुटस ओवर फेयर जिसमें सिया ने अभिनय किया और जिसका निर्माण अमिल हैनी ने किया है का फिल्म के टेलर में प्रीमियर किया गया गाना समापन क्रेडिट पर भी बजता है फिल्म की पहली आधिकारिक छवि सिक्स दिसंबर ट्वेंटी थर्टी को जारी की गई थी सिक्स अगस्त ट्वेंटी ट्वेल्व को सोनी ने रिलीज की तारीख की योजना बनाई थी लेकिन फाइव जुलाई ट्वेंटी थर्टी को रिलीज की तारीख की ट्वेंटी सिक्स सितंबर तक बढ़ दी गई ट्वेंटी फोर्टी फिल्म का पहला आधिकारिक पोस्टर सिक्सटीन अप्रैल ट्वेंटी फोर्टी को जारी किया गया था ट्वेंटी टू अप्रैल को यूएसए एस ने फिल्म की तस्वीरें जारी की ट्वेंटी फोर मई को फिल्म का टेलर जारी किया गया था ट्वेल्व जून को फिल्म का एक और आधिकारिक टेलर जारी किया था सिक्सटी जुलाई को फिल्म का आईमैक्स पोस्टर जारी किया गया था फिल्म का प्रीमियर सितम्बर सितंबर 2040 को 2040 फोर्टीन टोरोंटो टु इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिटल में आयोजित किया गया था सोनी ने ट्वेंटी सिक्स सितम्बर ट्वेंटी को दुनिया भर के सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज की द इक्वलाइजर को सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट की दरार 9 दिसंबर 2014 को ब्लू रे और डीवीडी पर रिलीज किया गया था बाद में इसी सिनेमागारों में सिकव रिलीज होने से तीन दिन पहले टेन जुलाई 2018 को अल्ट्रा एस डी ब्लू रे पर रिलीज़ किया गया था एक्लाइजर ने उत्तरी अमेरिकी में वन वन मिलियन और अन्य क्षेत्रों में 98 मिलियन की कमाई की और दुनिया भर में वन 92.3 थ्री मिलियन की कमाई की इसका शुभ उत्पादन बजट फिफ्टीन 23 मिलियन के बीच अनुमानित था यह फिल्म संयुक्त ज अमेरिका में 26 सितंबर 2014 को रिलीज़ हुई थी और अपनी पहली ओपनिंग नाइट में थ्री ट्वेंटी थ्री सिक्स की थिएटरों में ट्वेल्व फाइव मिलियन डॉलर की कमाई की जिसमें गुरुवार रात के प्रदर्शन से टू सिक्सटी नाइन्टी थ्री से कमाए गए वन फाइव मिलियन डॉलर भी शामिल थे दूसरे दिन फिल्म ने थर्टी फाइव मिलियन डॉलर और तीसरे दिन एटी मिलियन डॉलर की कमाई की इसका शुरुआती दिन वाशिंगटन के लिए तीसरा सबसे बड़ा दिन है जो अमेरिकन गैंगस्टर फिफ्टी एट मिलियन और सेफ हाउस मिलियन के बारे अपने शुरुआती सप्ताह ने में फिल्म ने थ्री फोर वन मिलियन टेन एट सिक्सटी प्रति थिएटर कमाई और बॉक्स ऑफिस पर नंबर एक पर रही फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताह में बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े जिसमें सितंबर का सबसे बड़ा और रेटेड डेब्यू जैकस नंबर दो रिकॉर्ड ट्वेंटी नाइन मिलियन को पिछले छोड़ना सितंबर का सबसे बड़ा आई मैक्स ओपनर एंटोनी के लिए को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी डेब्यू विकेट कमाई शामिल है फ्लॉड थर्टी मिलियन अप्रो द अमेरिकन गैंगस्टर और फोर्टी थ्री सिक्स मिलियन सिर्फ हाफ हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हॉलीवुड मूवी के बारे में तो दोस्तों अगर आप स्टीव टीज की फ़ैन हो और इक्वलाइजर फिल्म मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजे टेन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहती हूँ तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा द इक्वलाइजर ट्वेंटी की अमेरिकी विजीलैंड एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एंटोनी फोकआ की तरह निर्देशी और रिचर्ड विंग की तरह लिखी था या द इक्वलाइजर थ्री की पेरी किस्त और इसी सेंसर को टी एटी की दशक की टीवी श्रृंखला पर आधारित है फिल्म में डैन जेल की गठन मुख्य भूमिका में साथ ही मॉर्टन सोकास क्लोग्रेस मोरिटेड, डेविड हॉबर, बिल पुलमैन और मिलेशियल लियो भी है फिल्म में एक शिवानी वृत्त अमरीकी मरीर और डी एजेंट एक किशोर तस्करी प्रेत को रूसी माफिया के सदस्यों से जाने के लिए अनिच्छा से कार्रवाई में लौटता है और मुख्य फोटोग्राफी मई से सितंबर 2030 तक मैसाचुसेट्स में हुई द इक्वलाइजर का विस्तृत प्रीमियर स्वेन सितंबर 2040 को 2040 फोर्टी टोरोंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आयोजित किया गया और इसी और इसी ट्वेंटी के लिए ही सितंबर 2040 को दुनिया भर की सिनेमाघरों में रिलीज़ किया गया था फिल्म को मिट्टी समीक्षा मिली और समीक्षकों से और दुनिया भर में 192 मिलियन से अधिक की कमाई की द इक्वलाइजर टू नमक सिक्वर 20 जुलाई 2080 को रिलीज किया गया था और द इक्वलाइजर थ्री वन सितम्बर ट्वेंटी को रिलीज किया गया था रॉबर्ट माइकल एक प्रो अमेरिकी मरीन और डी ए डी सी एस अधिकारी अब बोस्टन में एक शांत जीवन जीते है जहाँ वह एक बड़े बॉक्स स्टोर में काम करते वह अपने सहकर्मी को सुरक्षा गार्ड बनने के लिए प्रेरित करने में मदद करते सोने में असमर्थ रॉबर्ट अक्सर देर रात तक किसी रेस्तरा में पड़ते रहते समय के साथ रॉबोर्ट की रूसी माफिया की तरह तस्करी की गई एक किशोर यौन कर्मी टेरी से दोस्ती हो गई अक्सर उन किताबों के बारे में बात करती है जो वह पढ़ रहे और रॉबर्ट का लक्ष्य टेन हंड्रेड किताबें पढ़ने का है क्योंकि उसकी पत्नी ने पढ़ने का लक्ष्य बनाया था एक शाम टेड़ी ने बताया कि उसका असली नाम अलीना है और वह गायिका बनने का सपना देखती है रॉबर्ट और अलीना हट लेने जाते लेकिन अलीना का दलाल सलामी सलावी अचानक आता है अलीना को मारता है और उसे एक कार में जबरदस्ती बैठा लेता है उसका ड्राइवर गाड़ी चलाने से पहले रॉबर्ट को उनकी एस्कॉर्ट सेवा के लिए एक बिजनेस कार्ड देता है कुछ रातों के बाद बुरी तरह से घायल अलीना को पास के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया खबर सुनने पर रॉबर्ट वहाँ जाता है और अपनी दोस्त मैडी एक अनय से सीखता है कि उसकी हालत के लिए सलावी ज़िम्मेदार है रॉबर्ट स्लावी और उसकी आर्मियों को अपने रिसंतरा में पता है और जब वह नाइन एटी में अलीना की आज़ादी खरीदने की पेशकश करता है तो उसे साफ तौर से मना कर दिया जाता है वह कमरे और उनकी हथियारों का आकलन करते हैं अनुमान लगता है कि उन सभी को मारने में कितने सेकेंड लगेंगे और फिर ऐसा करता मरने से पहले आखिरी सेकेंड में इस से बात करते हुए कहता है कि सलावी को सिर्फ पैसे लेने चाहिए थे उसे यह पता नहीं था कि सलावी और उसके लोग एक बहुत बड़े सीढ़ी कैट का हिस्सा जिसका नेतृत्व रूसी कुलनवर्गी वालिदी मीर पुसिकन कर रहे मुश्किल में पौरे तर्क डेटी रेंसन हमले की जांच के लिए बोस्टन पहुंचे मुसीकन की पेरोल पर बोस्टन पुलिस विभाग के जासूसों की सहायता से टेडी ने क्षेत्र में प्रतिद्वंदी गिरोह का प्रचार किया एक संदेश भेजने के लिए आयरिस भीड़ की लेफिट नेट लिटेन की जान लूनी को लगभग पीट पीट कर मार डाला रॉबर्ट अपराधियों पर सर तक से न्याय करना जारी रखता है जिसका उसे सामना करना पड़ता है वह दो भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को रल्फी की मां को रैकेट टियरिंग के पैसे लौटाने के लिए बैल कमेल करते हैं और हाईवे स्टोर को लूटने के बाद एक बंदूकदारी को हथौड़े से पीटते हैं और उसकी माँ से एक सरकर्मी की विरासत की अंगूठी ले लेता है टेडी ने मैडी को यह जानने के बाद मार डाला कि उसने रॉबर्ट के बारे में जानकारी छिपाई थी और अलीना के साथ अपनी दोस्ती के बारे में झूठ बोला था वह एक पुलिस जासूस बनकर रॉबर्ट से उसकी अपार्टमेंट में मिलने जाता है लेकिन रॉबर्ट उसकी झांसे में नहीं आता टेडी ने चलने से पहले गला घोट दी गई की एक तस्वीर दिखाई और उसे चेतावनी के रूप में प्रस्तुत किया टेडी और उसका भाड़े का समूह दो मौके पर रॉबर्ट का उपहारण करने में असमर्थ है रॉबर्ट अपनी पूरी डी आई ए की सीए हुई सुशांत प्लमर और उनकी पति बारियन से मिलने गए वह टेडी की पहचान करने के लिए सुशांत से मदद मांगते हैं। वह उसे पूर्सी कर्ज के ऑपरेशन के बारे में बताती और टेडी का असली नाम निकोलाई लाई है जो स्पेट सोनाज की ऑपरेटिव से रूसी गुप्त पुलिस एजेंट बन गए और सुशांत ने यह भी खुलासा किया कि निकोलाई ने बोस्टन पीढ़ी की दो जासूसों की हत्या कर दी और उनमें से फ्रेक मास्टर्स नाम के एक अन्य जासूस के बारे में कुछ दिनों से नहीं सुना गया था रॉबर्ट मास्टर्स का पता लगते और उसे पूछने के मनी लॉन्ड्रिंग गोदामों में गोदामों में से एक को नष्ट करने में मदद करने की धमकी देते पुलिस की आने पर मास्टर्स और पूर्सी के लोगों को हिरासत में ले लिया गया और उन्हें रॉबर्ट की तरह पैसे का पालन करने के लिए छोड़ा गया एक नोटा मिला वह निकोलाई से दोबारा भीड़ते और धमकी देते हैं कि अगर उसने उसका पीछा करने जारी रखा तो वह और अधिक नुकसान पहुंचाएगा। बाद में उसने पूछी करके दो तेल टैंकड़ों को नष्ट कर दिया जवाब में निकोलाई ने रॉबर्ट की सहकर्मियों को मिलने के लिए मजबूर करने के लिए हाइडवेयर स्टोर में उसका उपहारण कर लिया निकोलाई को आर्या हुआ रॉबर्ट निकोलाई के साथ बैठक में शामिल नहीं हुआ और उसके बजाय बंधकों की रक्षा करने वाले लोगों को मार डाला निकोलाई अपने आदमियों के साथ आता है लेकिन रॉबर्ट वेयर स्टोर में एक तरह किए गए तत्कालिक हथियारों से चुपचाप उन सभी को एक एक करके नष्ट कर देता है जैसे ही निकोलाई रोल्फी को मारने वाला होता है जो मदद के लिए पीछे रह गया था रॉबर्ट निकोलाई को गन से मार देता है तीन दिन बाद रॉबर्ट ने पुस्तिकन को अपनी मॉस्को हवेली में पाया उसके सभी गार्डों को मार डाला और उसे धोखे से बिजली का झटका देकर मार डाला कुछ समय बाद अलन ठीक होने के बाद रॉबर्ट के पास जाती है और बताती है कि उसने अपने अस्पताल के बिस्तर पर बचे पैसों से एक नया जीवन शुरू किया एलिना को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि रॉबर्ट ही अस्पताल में पैसे छोड़ गया था दूसरों की मदद करना जारी रखने के लिए प्रीत होकर रॉबर्ट डॉ इकवा लाइजर के रूप में ऑनलाइन विज्ञापन पोस्ट करते अप्रैल ट्वेंटी फाइव में यह घोषणा की गई कि नर्मदा मेस ने फिल्ड ने द इक्वाइजर की सरनिर्माता माइकल स्लो के साथ साझेदारी की है। ऑन और नर्मदा टोनी एली एलिड एक अन्य परियोजना पर काम करते समय त्रृंगला को फिल्म में बदलने का विचार लेकर आए थे उसी वर्ष दिसंबर में द वन कंपनी ने एक फिल्म की विकसित करने के अधिकार हासिल कर लिए थे जून ट्वेंटी सेवेन में यह बताया गया कि माइकल कोनेली और टेरिले की फैक फोर को पटकटा लिखने के लिए नियुक्त किया गया था और पॉल मैक को निर्देशन करना था जून 2010 में यह घोषणा की गई थी कि रसोल को प्रॉल हैगिस के दौरान निर्देशित द दे इक्वलाइजर को बड़े पर्दे पर लाने की कोशिश कर रहे थे जिसमें क्रो रॉबर्ट मैकल की भूमिका निभाते चार निभाना चाहते थे दिसंबर ट्वेंटी इलाम यह बताया गया कि डैंगजल वर्सी गंटन फिल्म संस्कार की शीर्ष भूमिका में अभिनय करेंगे जिसे सोनी पिक्चर्स इंटरटेनमेंट और एस्केप की ऑटी सटर्स के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा ट्वेंटी ट्वेल्व में निकलस की वेडिंग रेफा ने रिमेक का कर निर्देशन करने के लिए बातचीत शुरू की लेकिन आज्ञा कारणों से सोनी के साथ सौदा विफल हो गए ट्वेंटी वन की ऑस्कर विजेता फिल्म ट्रेनिंग डे पर उनके सफल सहयोग के बाद निर्देशन एंटोनी फुरकुआ 21 मार्च 2030 को निर्देशन के लिए ब्रॉड पर आए और उन्होंने वर्सी गंटर के साथ फिर से काम किया क्लोगेस्ट मैरिटेज को टेन मई ट्वेंटी थर्टी को सलाकार के रूप में घोषित किया गया था अना के लिए की मैकडोनाल्ड और नीना डोबरू पर भी विचार किया गया ट्वे थर्टी वन मई ट्वेंटी थर्टी को मलेशिया लियो को फिल्में लाया गया लियो ने पहले वर्षी गंडन के साथ ट्वेंटी ट्वेल्व फिल्म द फ्लाइट में और फुकुआ के साथ लापसा की लापसा के लिए ही दोनों की कोल्पस हैज ट्वेंटी थर्टी में काम किया स्वेक से लियो ने वास्तव में द डिफेक्ट नमक मूल की इक्वलाइजर टेलीविजन श्रृंखला के सीजन एक एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई थी, थी। जिसमें उन्होंने एक प्रोसेवियत एजेंट की बेटी की भूमिका निभाई थी जो संयुक्त राज्य अमरीका जाने के लिए मैकल की मदद लेती है ट्वेंटी मई को मॉर्टन से कास को खलनायक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया मुख्य फोटोग्राफी मई ट्वेंटी थर्टी में हार्वेर हिल हैमी लटन इप्सविच और सेवेमप कार सहित पूरे बोस्टर में विभिन्न स्थानों पर शुरू हुआ फिल्म का सितंबर ट्वेंटी थर्टी में पूरा हुआ उस दृश्य में जहां माइकल अपनी कार में मास्टर्स का दम घोटने का प्रयास करते हैं यह जगुआर सिंह है जो टेल पाइप में नली के शॉर्ट प्रकट होते हैं मूल टेलीविजन श्रृंखला में जगुआर का प्रतिशत रूप से उपयोग किया गया था 21 जून 2030 को हैरी ग्रेगसन की विलियम्स को फिल्म के लिए संगीत तैयार करने के लिए काम पर रखा गया था वर्सेस और बॉन्डी ने ट्वेंटी सितंबर 2040 को ड इक्वलाइजर के लिए एक साउंड एलबी की एल्बम जारी किया रेपर एनी नेम का गाना गुटस ओवर फियर जिसमें सिया ने अभिनय किया और जिसका निर्माण अमिल हैनी ने किया है। फिल्म के टेलर में प्रीमियर किया गया गाना समापन क्रेडिट पर भी बजता है। फिल्म की पहली आधिकारिक छवि सिक्स दिसंबर 2030 को जारी की गई थी। सिक्स अगस्त 2022 को स्टोनी ने मूल रूप से 11 अप्रैल 2040 की रिलीज की तारीख की योजना बनाई थी, लेकिन 5 जुलाई 2030 को रिलीज की तारीख की 26 सितंबर तक बढ़ दी गई 2040 फिल्म का पहला आधिकारिक पोस्टर 60 अप्रैल 2040 को जारी किया गया था 22 अप्रैल को यूएसए से टूडे ने फिल्म की तस्वीरें जारी की 24 मई को फिल्म का टेलर जारी किया गया था ट्वेल्थ जून को फिल्म का एक और आधिकारिक टेलर जारी किया गया सिक्सटी जुलाई को फिल्म का आईमैक्स पोस्टर जारी किया गया था फिल्म का प्रीमियर सितंबर ट्वेंटी को ट्वेंटी फोर्टी टोरोंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आयोजित किया गया था सोनी ने ट्वेंटी सिक्स सितंबर ट्वेंटी फोर्टी को दुनिया भर के सिनेमाघारों में फिल्म रिलीज की द इक्वलाइजर को सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट की दर 9 दिसंबर 2014 को ब्लू रे और डीवीडी पर रिलीज़ किया गया था बाद में इसी सिनेमागारों में सिकव रिलीज होने से तीन दिन पहले 10 जुलाई 2018 को अल्ट्रा एस डी ब्लू रे पर रिलीज किया गया था लाइजर ने उत्तरी अमेरिकी में वन वन मिलियन और अन्य क्षेत्रों में 98 मिलियन की कमाई की और दुनिया भर में वन 92.3 टू मिलियन की कमाई की इसका शुभ उत्पादन बजट फिफ्टीन 23 मिलियन के बीच अनुमानित था यह फिल्म संयुक्त राज्य अमरीका में 26 सितंबर 2014 को रिलीज़ हुई थी और अपनी पहली ओपनिंग नाइट में थ्री ट्वेंटी थ्री थ्री सिक्स की थिएटरों में ट्वेल्व फाइव मिलियन डॉलर की कमाई की जिसमें गुरुवार रात के प्रदर्शन से टू सिक्सटी नाइन्टी थ्री से कमाए गए वन फोर्टी फाइव मिलियन डॉलर भी शामिल थे दूसरे दिन फिल्म ने थर्टी फाइव मिलियन डॉलर और तीसरे दिन 80 मिलियन डॉलर की कमाई की इसका शुरुआती दिन वाशिंगटन के लिए तीसरा सबसे बड़ा दिन है जो अमेरिकन गैंगस्टर 58 मिलियन और सेफ हाउस मिलियन के बारे अपने शुरुआती सप्ताह ने में फिल्म ने थ्री फोर वन मिलियन टेन एट सिक्सटी प्रति थिएटर कमाई और बॉक्स ऑफिस पर नंबर एक पर रही फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताह में बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े जिसमें सितंबर का सबसे बड़ा और रेटेड डेब्यू जैकस नंबर दो रिकॉर्ड ट्वेंटी नाइन मिलियन को पिछले छोड़ना है, सितंबर का सबसे बड़ा आई मैक्स ओपनर एंटोनी के लिए को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी डेब्यू विकेट कमाई शामिल है फ्लॉड थर्टी मिलियन अप्रो द अमेरिकन गैंग और फोर्टी थ्री सिक्स मिलियन सिर्फ हाफ हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हॉलीवुड मूवी के बारे में तो दोस्तों अगर आप स्टीव टीस की फ़ैन हो और इक्वलाइजर फिल्म मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहती हूँ तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा द इक्वलाइजर ट्वेंटी की अमेरिकी विजीलैंड एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एंटोनी फोकवा की तरह निर्देशी और रिचर्ड विंग की तरह लिखी था यह द इक्वलाइजर थ्री की पेरी किस्त और इसी सेंसर को उन्ना टीन एटी दशक की टीवी श्रृंखला पर आधारित है फिल्म में डैन जेल की गठन मुख्य भूमिका में साथ ही मॉर्टन सोकास क्लोग्रेस मोरिटेट डेविड हॉबर बिल पुलमैन और मिलेशियल लियो भी है फिल्म में एक शिवानी वृत्त अमरीकी मरीर और डी एजेंट एक किशोर तस्करी प्रेत को रूसी माफिया के सदस्यों से जाने के लिए अनिच्छा से कार्रवाई में लौटता है और मुख्य फोटोग्राफी मई से सितंबर 2030 तक मैसाचुसेट्स में हुई द इक्वलाइजर का विस्तृत प्रीमियर स्वेन सितंबर 2040 को 2040 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आयोजित किया गया और इसी और इसी 26 के लिए ही सितंबर 2040 को दुनिया भर की सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था फिल्म को मिट्टी समीक्षा मिली और समीक्षकों से और दुनिया भर में वन टू मिलियन से आधी की कमाई की द इक्वलाइजर टू नमक सिकवल ट्वेंटी जुलाई ट्वेंटी एटी को रिलीज किया गया था और द इक्वलाइजर थ्री वन सितम्बर ट्वेंटी टू थ्री को रिलीज किया गया था रॉबर्ट मैकल एक प्रो अमेरिकी मरीन और डी आई ए डी सी एस अधिकारी अब बोस्टन में एक शांत जीवन जीते है जहां एक बड़े सुधारे काम करते वह अपने सहकर्मी को सुरक्षा गार्ड बनने के लिए प्रेरित करने में मदद करते सोने में असमर्थ रॉबर्ट अक्सर देर रात तक किसी रेस्तरा में पड़ते रहते समय के साथ रॉबोर्ट की रूसी माफिया की तरह तस्करी की गई एक किशोर यौन कर्मी टेरी से दोस्ती हो गई जुड़ी अक्सर उन किताबों के बारे में बात करती है जो वह पढ़ रहे और रॉबर्ट का लक्ष्य है किताबें पढ़ने का है क्योंकि उसकी पत्नी ने पढ़ने का लक्ष्य बनाया था एक शाम टेडी ने बताया कि उसका असली नाम अलीना है और वह गायिका बनने का सपना देखती है रॉबर्ट और अलीना हटलने जाते लेकिन अलीना का दलाल सलामी सलावी अचानक आता है अलीना को मारता है और उसे एक कार में जबरदस्ती बैठा लेता है उसका ड्राइवर गाड़ी चलाने से पहले रॉबर्ट को उनकी एस्कॉर्ट सेवा के लिए एक बिजनेस कार्ड देता है कुछ रातों के बाद बुरी तरह से घायल अलीना को पास के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया खबर सुनने पर रॉबर्ट वहां जाता है और अपनी दोस्त मैडी एक अन्य वेस्ट से सीखता है कि उसकी हालत के लिए सलावी जिम्मेदार है रॉबर्ट और स्लावी और उसकी आदमियों को अपने रिसंतरा में पता है और जब वह 980 में अलीना की आज़ादी खरीदने की पेशकश करता है तो उसे साफ तौर से मना कर दिया जाता है वह कमरे और उनकी हथियारों का आकलन करते हैं अनुमान लगता है कि उन सभी को मारने में कितने सेकेंड लगेंगे और फिर ऐसा करता मरने से पहले आखिरी सेकेंड में इसलावी से बात करते हुए कहता है कि सलावी को सिर्फ पैसे लेने चाहिए थे उसे यह पता नहीं था कि स्लावी और उसके लोग एक बहुत बड़े सीढ़ी कैट का हिस्सा जिसका नेतृत्व रूसी कुलनवर् वाली मीर पुसिकन कर रहे मुश्किल में पौरे तर्क डेटी रेंसन हमले की जांच के लिए बोस्टन पहुंचे मुसीकन की पेरोल पर बोस्टन पुलिस विभाग के जासूसों की सहायता से टेडी ने क्षेत्र में प्रतिद्वंदी गिरोह का प्रचार किया इस संदेश भेजने के लिए आयरिस भीड़ की लेफिट नेट लिटेन की जान लूनी को लगभग पीट पीट कर मार डाला रॉबर्ट अपराधियों पर सर्तक दुरुस्ती से न्याय करना जारी रखता है जिसका उसे सामना करना पड़ता है वह दो भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को रल्फी की मां को रैकेट के पैसे लौटाने के लिए कमेल करते हैं और हाईवे स्टोर को लूटने के बाद एक बंदूकाधारी को हथौड़े से पीटते हैं और उसकी माँ से एक सहकर्मी की विरासत की अंगूठी ले, ले लेता है टेडी ने मेडिय को यह जान के बाद मार डाला कि उसने रॉबर्ट के, के बारे में जानकारी छिपाई थी और अलीना के साथ अपनी दोस्ती के बारे में झूठ बोला था वह एक पुलिस जासूस बनकर रॉबर्ट से उसकी अपार्टमेंट में मिलने जाते हैं लेकिन रॉबर्ट उसकी झांसे में नहीं आता टेडी ने चलने से पहले गला घोट दी गई मैडी की एक तस्वीर दिखाई और उसे चेतावनी के रूप में प्रस्तुत किया टीडी और उसका भाड़े का समूह दो मौके पर रॉबर्ट का उपहारण करने में असमर्थ है रॉबर्ट अपनी पूरी डी आई ए की सीए हुई सुशांत प्लमर और उनकी पति बारियन से मिलने गए वह टेडी की पहचान करने के लिए सुशांत से मदद मांगते हैं। वह उसे पूर्सी कंस के ऑपरेशन के बारे में बताती और टीडी का असली नाम निकोलाई लाई है जो स्पेट सोनाज की ऑपरेटिव से रूसी गुप्त पुलिस एजेंट बन गए और सुशांत ने यह भी खुलासा किया कि निकोलाई ने बोस्टन पीढ़ी की दो जासूसों की हत्या कर दी और उनमें से फ्रेक मास्टर्स नाम के एक अन्य जासूस के बारे में कुछ दिनों से नहीं सुना गया था रॉबर्ट मास्टर्स का पता लगते और उसे पूछने के मनी लॉन्ड्रिंग गोदामों में गोदामों में से एक को नष्ट करने में मदद करने की धमकी देते पुलिस की आने पर मास्टर्स और पूर्सी के लोगों को हिरासत में ले लिया गया और उन्हें रॉबर्ट की तरह पैसे का पालन करने के लिए छोड़ा गया एक नोटा मिला वह निकोलाई से दोबारा भीड़ते और धमकी देते हैं कि अगर उसने उसका पीछा करने जारी रखा तो वह और अधिक नुकसान पहुंचाएगा। बाद में उसने पूछी करके दो तेल टैंकड़ों को नष्ट कर दिया जवाब में निकोलाई ने रॉबर्ट की सहकर्मियों को मिलने के लिए मजबूर करने के लिए हाइडवेयर स्टोर में उसका उपहारण कर लिया निकोलाई को आर्या हुआ रॉबर्ट निकोलाई के साथ बैठक में शामिल नहीं हुआ और उसके बजाय बंधकों की रक्षा करने वाले लोगों को मार डाला निकोलाई अपने आदमियों के साथ आता है लेकिन रॉबर्ट वेयर स्टोर में एक तरह किए गए तत्कालिक हथियारों से चुपचाप उन सभी को एक एक करके नष्ट कर देता है जैसे ही निकोलाई रोल्फी को मारने वाला होता है जो मदद के लिए पीछे रह गया था रॉबर्ट निकोलाई को नेल गन से मार देता है तीन दिन बाद रॉबर्ट ने पुस्तिकन को अपनी मॉस्को हवेली में पाया उसके सभी गार्डों को मार डाला और उसे धोखे से बिजली का झटका देकर मार डाला कुछ समय बाद अलन ठीक होने के बाद रॉबर्ट के पास जाती है और बताती है कि उसने अपने अस्पताल के बिस्तर पर बचे पैसों से एक नया जीवन शुरू किया एलिना को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि रॉबर्ट ही अस्पताल में पैसे छोड़ गया था दूसरों की मदद करना जारी रखने के लिए प्रीत होकर रॉबर्ट डॉ इकवा लाइजर के रूप में ऑनलाइन विज्ञापन पोस्ट करते अप्रैल ट्वेंटी फाइव में यह घोषणा की गई कि नर्मदा मेस ने फिल्ड ने द इक्वाइजर की स निर्माता माइकल स्लो के साथ साझेदारी की है। ऑन और नर्मदा टोनी एली एलिड्रॉन्ज एक अन्य परियोजना पर काम करते समय त्रृंगला को फिल्म में बदलने का विचार लेकर आए थे उसी वर्ष दिसंबर में द वेन कंपनी ने एक फिल्म की विकसित करने के अधिकार हासिल कर लिए थे जून ट्वेंटी सेवेन में यह बताया गया कि माइकल कोनेली और टेरिले की फैक फोर को पटकथा लिखने के लिए नियुक्त किया गया था और पॉल मैक को निर्देशन करना था जून 2010 में यह घोषणा की गई थी कि रसोल को प्रॉल हैगिस की दौरान निर्देशित द दे इक्वलाइजर को बड़े पर्दे पर लाने की कोशिश कर रहे थे जिसमें क्रो रॉबर्ट मैकल की भूमिका निभाते चार निभाना चाहते थे दिसंबर ट्वेंटी इलाम यह बताया गए कि डैंजल वर्सी गंटन फिल्म संस्कार की शीर्ष भूमिका में अभिनय करेंगे जिसे सोनी पिक्चर्स इंटरटेनमेंट और एस्केप की ऑटी सटर्स के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा ट्वेंटी ट्वेल्व में निकलस की वेडिंग रेफा ने रीमेक कर निर्देशन करने के लिए बातचीत शुरू की लेकिन आगे कारणों से सोनी के साथ सौदा विफल हो गया ट्वेंटी वन की अस्कर विजेता फिल्म ट्रेनिंग डे पर उनके सफल सहयोग के बाद निर्देशन एंटोनी फुरकुआ 21 मार्च 2030 को निर्देशन के लिए ब्रोड पर आए और उन्होंने वसी घंटन के साथ फिर से काम किया प्रोग्रेस मैरिट को टीन मई ट्वेंटी थर्टी को स्तर कलाकार के रूप में घोषित किया गया था अनक्रेडिंग के लिए कि मैकडोनाल्ड और नीना डोबरे पर भी विचार किया गया ट्वे थर्टी वन मई ट्वेंटी थर्टी को मलेसिया लियो को फिल्म लाया गया लियो ने पहले वर्षीय गंडन के साथ ट्वेंटी ट्वेल्व फिल्म द फ्लाइट में और फुकुआ के साथ लापसा की लापसा के लिए ही दोनों की ओल्पस हैज फॉलन ट्वेंटी थर्टी में काम किया स्वेक् से लियो ने वास्तव में द डिफेक्ट नमक मूल की इक्वलाइजर टेलीविजन श्रृंखला के सीजन एक एपिसोड भी में अतिथि भूमिका निभाई थी जिसमें उन्होंने एक प्रोसेवियत एजेंट की बेटी की भूमिका निभाई थी जो संयुक्त रजय अमेरिका जाने के लिए मैकल की मदद लेती है ट्वेंटी मई को मॉर्टन से कास को खलनायक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया मुख्य फोटोग्राफी मई ट्वेंटी थर्टी में हार्वेर हिल हैमी लटन इप्सविच और सेवेमप कार सहित पूरे बोस्टर में स्थानों पर शुरू हुआ फिल्म का ट्वेंटी थर्टी में पूरा हुआ उस दृश्य में जहां माइकल अपनी कार में मास्टर्स का दम घोटने का प्रयास करते हैं यह जगुआर सिंह से जो टेल पाइप में नली के शॉर्ट से प्रकट होते हैं मूल टेलीविजन श्रृंखला में जगुआर का प्रिशद रूप से उपयोग किया गया था 21 जून 2030 को हैरी ग्रेगसन की विलियम्स को फिल्म के लिए संगीत तैयार करने के लिए काम पर रखा गया था वर्सेस और बॉन्डी ने ट्वेंटी थ्री सितम्बर ट्वेंटी फोर्टीन को के लिए एक साउंड एलबी की एल्बम जारी किया रेपर एनी नेम का गाना गुटस ओवर फियर जिसमें सिया ने अभिनय किया और जिसका निर्माण अमिल हैनी ने किया है। है का फिल्म के टेलर में प्रीमियर किया गया गाना समापन क्रेडिट पर भी बजता है फिल्म की पहली आधिकारिक छवि शोकिंग दिसंबर 2030 को जारी की गई थी 6 अगस्त 2022 को स्टोनी ने मूल रूप से 11 अप्रैल 2040 की रिलीज की तारीख की योजना बनाई थी लेकिन 5 जुलाई 2030 को रिलीज की तारीख की 26 सितंबर तक बढ़ दी गई 2040 फिल्म का पहला आधिकारिक पोस्टर 60 अप्रैल 2040 को जारी किया गया था 22 अप्रैल को यूएसए से टूडे ने फिल्म की तस्वीरें जारी की 24 मई को फिल्म का टेलर जारी किया गया था ट्वेल्थ जून को फिल्म का एक और आधिकारिक टेलर जारी किया गया सिक्सटी जुलाई को फिल्म का आईमैक्स पोस्टर जारी किया गया था फिल्म का प्रीमियर सितंबर ट्वेंटी को ट्वेंटी फोर्टी टोरोंटो इंटरनेशनल फिल्म टॉल में आयोजित किया गया था सोनी ने ट्वेंटी सिक्स सितम्बर ट्वेंटी को दुनिया भर के सिनेमाघारों में फिल्म रिलीज की द इक्वलाइजर को सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट की दरार 9 दिसंबर 2014 को ब्लू रे और डीवीडी पर रिलीज़ किया गया था बाद में इसी सिनेमाघरों में सिकवन रिलीज होने से तीन दिन पहले टेन जुलाई 2018 को अल्ट्रा एस डी ब्लू रे पर रिलीज किया गया था लाइजर ने उत्तरी अमेरिकी में वन वन मिलियन और अन्य क्षेत्रों में 98 मिलियन की कमाई की और दुनिया भर में वन नाइन्टी टू थ्री मिलियन की कमाई की इसका शुभ उत्पादन बजट फिफ्टीन ट्वेंटी थ्री मिलियन के बीच अनुमानित था यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्वेंटी सिक्स सितम्बर ट्वेंटी फोर्टी को रिलीज़ हुई थी और अपनी पहली ओपनिंग नाइट में थ्री ट्वेंटी थ्री थ्री सिक्स की थिएटरों में ट्वेल्व फाइव मिलियन डॉलर की कमाई की जिसमें गुरुवार रात के प्रदर्शन से टू सिक्सटी नाइन्टी थ्री से कमाए गए वन फोर्टी फाइव मिलियन डॉलर भी शामिल थे दूसरे दिन फिल्म ने थर्टी फाइव मिलियन डॉलर और तीसरे दिन 80 मिलियन डॉलर की कमाई की इसका शुरुआती दिन वाशिंगटन के लिए तीसरा सबसे बड़ा दिन है जो अमेरिकन गैंगस्टर 58 मिलियन और सेफ हाउस मिलियन के बारे अपने शुरुआती सप्ताह ने में फिल्म ने थ्री फोर वन मिलियन टेन एट सिक्सटी प्रति थिएटर कमाई और बॉक्स ऑफिस पर नंबर एक पर रही फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताह में बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े जिसमें सितंबर का सबसे बड़ा और रेटेड डेब्यू जैकस नंबर दो रिकॉर्ड ट्वेंटी नाइन मिलियन को पिछले छोड़ना सितंबर का सबसे बड़ा आईमैक्स मैक्स ओपनर एंटोनी के लिए ओल हैस को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी डेब्यू विकेट कमाई शामिल है फ्लॉन थर्टी मिलियन अप्रो द अमेरिकन गैंगस्टर और फोर्टी थ्री सिक्स मिलियन सिर्फ हाफ हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हॉलीवुड मूवी के बारे में तो दोस्तों अगर आप स्टीव टीज की फैन हो और इक्वलाइजर फिल्म मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहती हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा द इक्वलाइजर 2040 की अमेरिकी विजीलैंड एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एंटोनी फोकवा की तरह निर्देशित और रिचर्ड वेंग की तरह लिखी था यह द इक्वलाइजर थ्री की पैरिकिस्ट किस्त और इसी सेंसर को 1980 की दशक की टीवी श्रृंखला पर आधारित है फिल्म में डैन जेल की वसीगठन मुख्य भूमिका में साथ ही मॉर्टन सोकास क्लोग्रेस मोरिटेट, डेविड हॉबर बेल पुलमैन और मिलेशिया लियो भी है फिल्म में एक शिवानिवृत्त अमरीकी मरीर और डी आई एजेंट एक किशोर तस्करी प्रेत को रूसी माफिया के सदस्यों से जाने के लिए अनिच्छा से कार्रवाई में लौटता है और मुख्य फोटोग्राफी मई से सितम्बर ट्वेंटी थर्टी तक मैसाचुसेट्स में, में हुई द इक्वलाइजर का वित्त प्रीमियर ट्रेन सितंबर 2040 को 2040 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आयोजित किया गया और इसी और इसी ट्वेंटी सिक्स के लिए ही सितंबर ट्वेंटी फोर्टी को दुनिया भर की सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था फिल्म को मीति समीक्षा मिली और समीक्षकों से और दुनिया भर में वन टू मिलियन से आधी की कमाई की द इक्वलाइजर टू नमक सिक्वल ट्वेंटी जुलाई ट्वेंटी एटी को रिलीज किया गया था और द इक्वलाइजर थ्री वन सितम्बर ट्वेंटी टू थ्री को रिलीज किया गया था रॉबर्ट मैकर एक प्रो अमेरिकी मरीन और डी अधिकारी अब बोस्टन में एक शांत जीवन जीते हैं जहां वह एक बड़े बॉक्स स्टोर में काम करते वह अपने सहकर्मी रल्फी को सुरक्षा गार्ड बनने के लिए प्रेरित करने में मदद करते सोने में असमर्थ रॉबर्ट अक्सर देर रात तक किसी रेस्तरा में पड़ते रहते समय के साथ रॉबोर्ट की रूसी माफिया की तरह तस्करी की गई एक किशोर यौन कर्मी टेरी से दोस्ती हो गई यो जुड़ी अक्सर उन किताबों के बारे में बात करती है जो वह पढ़ रहे और रॉबर्ट का लक्ष्य है टेन किताबें पढ़ने का है क्योंकि उसकी पत्नी ने पढ़ने का लक्ष्य बनाया था एक शाम टेडी ने बताया कि उसका असली नाम अलीना है और वह गायिका बनने का सपना देखती है रॉबर्ट और अलीना हट लेने जाते लेकिन अलीना का दलाल सलामी सलावी अचानक आता है अलीना को मारता है और उसे एक कार में जबरदस्ती बैठा लेता है उसका ड्राइवर गाड़ी चलाने से पहले रॉबर्ट को उनकी एस्कॉर्ट सेवा के लिए एक बिजनेस कार्ड देता है कुछ रातों के बाद बुरी तरह से घायल अलीना को पास के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया खबर सुनने पर रॉबर्ट वहाँ जाता है और अपनी दोस्त मैडी एक अन्य वेस्ट से सीखता है कि उसकी हालत के लिए सलावी ज़िम्मेदार है रॉबर्ट स्लावी और उसकी आर्मियों को अपने रिसंतरा में पता है और जब वह नाइन एटी में अलीना की आज़ादी खरीदने की पेशकश करता है तो उसे साफ तौर से मना कर दिया जाता है वह कमरे और उनकी हथियारों का आकलन करता है अनुमान लगता है कि उन सभी को मारने में कितने सेकेंड लगेंगे और फिर ऐसा करता मरने से पहले आखिरी सेकेंड में इस से बात करते हुए कहता है कि सलावी को सिर्फ पैसे लेने चाहिए थे उसे यह पता नहीं था कि सलावी और उसके लोग एक बहुत बड़े सीढ़ी कैट का हिस्सा जिसका नेतृत्व रूसी क्लिन की मीर पुशिकंद कर रहे मुश्किल में पौरे तर्क डेटी रेंसन हमले की जांच के लिए बोस्टन पहुंचे मुसीकन की पेरोल पर बोस्टन पुलिस विभाग के जासूसों की सहायता से टेडी ने क्षेत्र में प्रतिद्वंदी गिरोह का प्रचार किया इस संदेश भेजने के लिए आयरिस भीड़ की लेफिटनेट लिटेन की जान लूनी को लगभग पीट पीट कर मार डाला रॉबर्ट अपराधियों पर सर तक दुरुस्ती से न्याय करना जारी रखता है जिसका उसे सामना करना पड़ता है वह दो भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को रल्फी की मां को रैकेटियरिंग के पैसे लौटाने के लिए बैल कमेल करते हैं और हाईवे स्टोर को लूटने के बाद एक बंदूकदारी को हथौड़े से पीटते हैं और उसकी माँ से एक सरकर्मी की विरासत की अंगूठी ले लेता है टेडी ने मैडी को यह जानने के बाद मार डाला कि उसने रॉबर्ट के बारे में जानकारी छिपाई थी और अलीना के साथ अपनी दोस्ती के बारे में झूठ बोला था वह एक पुलिस जासूस बनकर रॉबर्ट से उसकी अपार्टमेंट में मिलने जाता है लेकिन रॉबर्ट उसकी झांसे में नहीं आता टेडी ने चलने से पहले गला घोट दी गई की एक तस्वीर दिखाई और उसे चेतावनी के रूप में प्रस्तुत किया टीडी और उसका भाड़े का समूह दो मौके पर रॉबर्ट का उपहारण करने में असमर्थ है रॉबर्ट अपनी पूरी डी आई ए की सीए हुई सुशांत प्लमर और उनकी पति बारियन से मिलने गए वह टेडी की पहचान करने के लिए सुशांत से मदद मांगते वह उसे पूरी कंस के ऑपरेशन के बारे में बताती और टीडी का असली नाम निको लाई है जो स्पेट सनाज की ऑपरेटिव से रूसी गुप्त पुलिस एजेंट बन गए और सुशांत ने यह भी खुलासा किया कि निकोलाई ने बोस्टन पीढ़ी की दो जासूसों की हत्या कर दी और उनमें से फ्रेक मास्टर्स नाम के एक अन्य जासूस के बारे में कुछ दिनों से नहीं सुना गया था रॉबर्ट मास्टर्स का पता लगते और उसे पुसीकान के मनी लॉन्ड्रिंग गोदामों में गोदामों में से एक को नष्ट करने में मदद करने की धमकी देते पुलिस की आने पर मास्टर्स और पूर्सी के लोगों को हिरासत में ले लिया गया और उन्हें रॉबर्ट की तरह पैसे का पालन करने के लिए छोड़ा गया एक नोटा मिला वह निकोलाई से दोबारा भीड़ते और धमकी देते हैं कि अगर उसने उसका पीछा करने जारी रखा तो वह और अधिक नुकसान पहुंचाएगा। बाद में उसने पूछी करके दो तेल टैंकड़ों को नष्ट कर दिया जवाब में निकोलाई ने रॉबर्ट की सहकर्मियों को मिलने के लिए मजबूर करने के लिए हाइडवेयर स्टोर में उसका उपहारण कर लिया निकोलाई को आर्या हुआ रॉबर्ट निकोलाई के साथ बैठक में शामिल नहीं हुआ और उसके बजाय बंधकों की रक्षा करने वाले लोगों को मार डाला निकोलाई अपने आदमियों के साथ आता है लेकिन रॉबर्ट हाइट वेयर स्टोर में एक तरह किए गए तत्कालिक हथियारों से चुपचाप उन सभी को एक एक करके नष्ट कर देता है जैसे ही निकोलाई रोल्फी को मारने वाला होता है जो मदद के लिए पीछे रह गया था रॉबर्ट निकोलाई को नेल गन से मार देता है तीन दिन बाद रॉबर्ट ने पुस्तिकन को अपनी मॉस्को हवेली में पाया उसके सभी गार्डों को मार डाला और उसे धोखे से बिजली का झटका देकर मार डाला कुछ समय बाद अलन ठीक होने के बाद रॉबर्ट के पास जाती है और बताती है कि उसने अपने अस्पताल के बिस्तर पर बचे पैसों से एक नया जीवन शुरू किया एलिना को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि रॉबर्ट ही अस्पताल में पैसे छोड़ गया था दूसरों की मदद करना जारी रखने के लिए प्रीत होकर रॉबर्ट डॉ एक वा... लाइजर के रूप में ऑनलाइन विज्ञापन पोस्ट करते अप्रैल 25 में यह घोषणा की गई कि नर्मता मेस ने ने द लाइजर की सनिर्माता माइकल स्लो के साथ साझेदारी की है स्लोअन और नर्मता टोनी एली एलिड्रॉन्ज एक अन्य परियोजना पर काम करते समय त्रृंगला को फिल्म में बदलने का विचार लेकर आए थे उसी वर्ष दिसंबर में द वेनस्ट कंपनी ने एक फिल्म की विकसित करने के अधिकार हासिल कर लिए थे जून ट्वेंटी सिविर में यह बताया गया कि माइकल कोनेली और टेरी ले की फैक फोर को पटकथा लिखने के लिए नियुक्त किया गया था और पॉल मैक को निर्देशन करना था जून 2010 में यह घोषणा की गई थी कि रसोल को प्रॉल हैगस की दौरान निर्देशित द इक्वलाइजर को बड़े पर्दे पर लाने की कोशिश कर रहे थे जिसमें क्रो रॉबर्ट मैकल की भूमिका निभाते चार निभाना चाहते थे दिसंबर ट्वेंटी इलाम यह बताया गया कि डैंजल वर्सी गंटन फिल्म संस्कार की शीर्ष भूमिका में अभिनय करेंगे जिसे सोनी पिक्चर्स इंटरटेनमेंट और एस्केप की ऑटी सटर्स के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा ट्वेंटी ट्वेल्व में निकलस की वेडिंग रेफा ने रीमेक का कर निर्देशन करने के लिए बातचीत शुरू की लेकिन आगे कारणों से सोनी के साथ सौदा विफल हो गया ट्वेंटी वन की अस्कर विजेता फिल्म ट्रेडिंग डे पर उनके सफल सहयोग के बाद निर्देशन एंटोनी फुरकुआ 21 मार्च 2030 को निर्देशन के लिए ब्रोड पर आए और उन्होंने वसी घंटन के साथ फिर से काम किया प्रोग्रेस मैरिटेज को टीन मई ट्वेंटी थर्टी को स्टा कलाकार के रूप में घोषित किया गया था अन के लिए कि मैकडोनाल्ड और नीना डोबरे पर भी विचार किया गया ट्वे थर्टी वन मई ट्वेंटी थर्टी को मलेसिया लियो को फिल्में लाया गया लियो ने पहले वर्षीय गंडन के साथ ट्वेंटी ट्वेल्व फिल्म द फ्लाइट में और फुकुआ के साथ लापसा की लापसा के लिए ही दोनों की ओल्पस हैज फॉलन ट्वेंटी थर्टी में काम किया स्वेक्स लियो ने वास्तव में दौड़ डिफेक्ट नमक मूल की इक्वलाइजर टेलीविजन श्रृंखला के सीजन एक एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई थी, थी। जिसमें उन्होंने एक प्रोसेवियत एजेंट की बेटी की भूमिका निभाई थी जो संयुक्त राज्य अमेरिका जाने के लिए मैकल की मदद लेती है ट्वेंटी मई को मॉटर्नकाश को खलनायक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया मुख्य फोटोग्राफी मई ट्वेंटी थर्टी में हावेर हिल हैमी लटन इप्सविच और सेवेमप कार सहित पूरे बोस्टर में स्थानों पर शुरू हुआ फिल्म सितम्बर ट्वेंटी थर्टी में पूरा हुआ उस दृश्य में जहां माइकल अपनी कार में मास्टर्स का दम घोटने का प्रयास करते हैं यह जगुआर सिंह से जो टेल पाइप में नली के शॉर्ट ट्रिप प्रकट होता है मूल टेलीविजन श्रृंखला में जगुआर का प्रिशद रूप से उपयोग किया गया था 21 जून 2030 को हैरी ग्रेगसन की विलियम्स को फिल्म के लिए संगीत तैयार करने के लिए काम पर रखा गया था वर्सेस और बॉन्डी ने ट्वेंटी थ्री सितम्बर ट्वेंटी फोर्टी को द इक्वलाइजर के लिए एक साउंड एलबी की एल्बम जारी किया रेपर एनिय नेम का गाना गुटस ओवर फेयर जिसमें सिया ने अभिनय किया और जिसका निर्माण अमिल हैनी ने किया है का फिल्म के टेलर में प्रीमियर किया गया गाना समापन क्रेडिट पर भी बजता है फिल्म की पहली आधिकारिक छवि सिक्स दिसंबर ट्वेंटी थर्टी को जारी की गई थी सिक्स अगस्त ट्वेंटी को सोनी ने मूल रूप से इलेवन अप्रैल 2040 की रिलीज की तारीखी योजना बनाई थी लेकिन 5 जुलाई 2030 को रिलीज की तारीख की 26 सितंबर तक बढ़ दी गई 2040 फिल्म का पहला आधिकारिक पोस्टर 60 अप्रैल 2040 को जारी किया गया था ट्वेंटी टू अप्रैल को यूएसए एस से ने फिल्म की तस्वीरें जारी की ट्वेंटी फोर मई को फिल्म का टेलर जारी किया गया था ट्वेल जून को फिल्म का एक और आधिकारिक टेलर जारी किया गया था सिक्सटीन जुलाई को फिल्म का आई पोस्टर जारी किया गया था फिल्म का सितंबर 2040 को 2040 टोरंटो टू इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिटल में आयोजित किया गया था सोनी ने ट्वेंटी सिक्स सितम्बर ट्वेंटी को दुनिया भर के सिनेमाघारों में फिल्म रिलीज की द इक्वलाइजर को सोनी पिक्चर्स होम इंटरटेनमेंट की दर 9 दिसंबर 2014 को ब्लू रे और डीवीडी पर रिलीज किया गया था बाद में इसी सिनेमागारों में सिकव रिलीज होने से तीन दिन पहले टेन जुलाई 2018 को अल्ट्रा एस डी ब्लू रे पर रिलीज किया गया था लाइजर ने उत्तरी अमरीकी में वन वन, वन मिलियन और अन्य क्षेत्रों में 98 मिलियन की कमाई की और दुनिया भर में वन नाइन्टी टू थ्री मिलियन की कमाई की इसका शुभ उत्पादन बजट फिफ्टीन ट्वेंटी थ्री मिलियन के बीच अनुमानित था यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्वेंटी सिक्स सितम्बर ट्वेंटी फोर्टी को रिलीज़ हुई थी और अपनी पहली ओपनिंग नाइट में थ्री ट्वेंटी थ्री थ्री सिक्स की थिएटरों में ट्वेल्व फाइव मिलियन डॉलर की कमाई की जिसमें गुरुवार रात के प्रदर्शन से टू सिक्सटी नाइन्टी थ्री से कमाए गए वन फोर्टी फाइव मिलियन डॉलर भी शामिल थे दूसरे दिन फिल्म ने थर्टी फाइव मिलियन डॉलर और तीसरे दिन 80 मिलियन डॉलर की कमाई की इसका शुरुआती दिन वाशिंगटन के लिए तीसरा सबसे बड़ा दिन है जो अमेरिकन गैंगस्टर 58 मिलियन और हाउस मिलियन के बारे अपने शुरुआती सप्ताह ने में फिल्म ने थ्री फोर वन मिलियन टेन एट सिक्सटी प्रति थिएटर कमाई और बॉक्स ऑफिस पर नंबर एक पर रही फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताह में बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े जिसमें सितंबर का सबसे बड़ा और रेटेड डेब्यू जैकस नंबर दो रिकॉर्ड ट्वेंटी नाइन मिलियन को पिछले छोड़ना सितंबर का सबसे बड़ा आई मैक्स ओपनर एंटोनी के लिए हैज को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी डेब्यू विकेट कमाई शामिल है फ्लॉन थर्टी मिलियन अप्रो द अमेरिकन गैंग और फोर्टी थ्री सिक्स मिलियन सिर्फ हा हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हॉलीवुड मूवी के बारे में तो दोस्तों अगर आप स्टीव टीस की फ़ैन हो और इक्वलाइजर फिल्म मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहती हूँ तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा द इक्वलाइजर ट्वेंटी की अमेरिकी विजीलैंड एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एंटोनी फोकवा की तरह निर्देशित और रिचर्ड की वह लिखी था या द इक्वलाइजर थ्री की पेरी किस्त और इसी सेंसर को उन्नाइस एटी की दशक की टीवी श्रृंखला पर आधारित है फिल्म में डैन जेल की गठन मुख्य भूमिका में साथ ही मॉर्टन सोकार्स क्लोग्रेस मोरिटेट डेविड हॉबर बेल पुलमैन और मिलेशिया लियो भी है फिल्म में एक शिवानिवृत्त अमरीकी मरीज और डी आई एजेंट एक किशोर तस्करी प्रेत को रूसी माफिया के सदस्यों से जाने के लिए अनिच्छा से कार्रवाई में लौटता है और मुख्य फोटोग्राफी मई से सितंबर 2030 तक तक मैसाचुसेट्स में हुई द इक्वलाइजर का वित्त प्रीमियर सितंबर 2040 को 2040 फोर्टी टोरोंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आयोजित किया गया और इसी और इसी ट्वेंटी सिक्स के लिए ही सितंबर 2040 को दुनिया भर की सिनेमाघारों में रिलीज किया गया था फिल्म को मिट्टी समीक्षा मिली और समीक्षकों से और दुनिया भर में वन टू मिलियन से आधी की कमाई की द इक्वलाइजर टू नमक सिक्वर 20 ट्वेंटी जुलाई ट्वेंटी एटी को रिलीज किया गया था और द इक्वलाइजर थ्री वन सितम्बर ट्वेंटी टू थ्री को रिलीज किया गया था रॉबर्ट माइकल एक प्रो अमेरिकी मरीन और डी अधिकारी अब बोस्टन में एक शांत जीवन जीते है जहां एक बड़े सुधारे में काम करते वह अपने सहकर्मी को सुरक्षा गार्ड बनने के लिए प्रेरित करने में मदद करते सोने में असमर्थ रॉबर्ट अक्सर देर रात तक किसी रेस्तरा में पड़ते रहते समय के साथ रॉबोर्ट की रूसी माफिया की तरह तस्करी की गई एक किशोर यौन कर्मी टेरी से दोस्ती हो गई जुड़ी अक्सर उन किताबों के बारे में बात करती है जो वह पढ़ रहे और रॉबर्ट का लक्ष्य है किताबें पढ़ने का है क्योंकि उसकी पत्नी ने पढ़ने का लक्ष्य बनाया था एक शाम टेडी ने बताया कि उसका असली नाम अलीना है और वह गायिका बनने का सपना देखती है रॉबर्ट और अलीना हटलने जाते लेकिन अलीना का दलाल सलामी सलावी अचानक आता है अलीना को मारता है और उसे एक कार में जबरदस्ती बैठा लेता है उसका ड्राइवर गाड़ी चलाने से पहले रॉबर्ट को उनकी एस्कॉर्ट सेवा के लिए एक बिजनेस कार्ड देता है कुछ रातों के बाद बुरी तरह से घायल अलीना को पास के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया खबर सुनने पर रॉबर्ट वहाँ जाता है और अपनी दोस्त मैडी एक अन्य व्यस्त से सीखता है कि उसकी हालत के लिए सलावी ज़िम्मेदार है रॉबर्ट स्लावी और उसकी आदमियों को अपने रेसंतरा में पता है और जब वह नाइन एटी में अलीना की आज़ादी खरीदने की पेशकश करता है तो उसे साफ तौर से मना कर दिया जाता है वह कमरे और उनकी हथियारों का आकलन करते हैं अनुमान लगता है कि उन सभी को मारने में कितने सेकेंड लगेंगे और फिर ऐसा करता मरने से पहले आखिरी सेकेंड में स्लावी से बात करते हुए कहता है कि सलावी को सिर्फ पैसे लेने चाहिए थे उसे यह पता नहीं था कि सलावी और उसके लोग एक बहुत बड़े सीढ़ी कैट का हिस्सा जिसका नेतृत्व रूसी कुलनवर् वालिदी मीर पुसीकन कर रहे मुश्किल में पौरे तर्क डेटी रेंसन हमले की जांच के लिए बोस्टन पहुंचे मुसीकन की पेरोल पर बोस्टन पुलिस विभाग के जासूसों की सहायता से टेडी ने क्षेत्र में प्रतिद्वंदी गिरोह का प्रचार किया इस संदेश भेजने के लिए आयरिस भीड़ की लेफिट नेट लिटेन की जान लूनी को लगभग पीट पीट कर मार डाला रॉबर्ट अपराधियों पर सर तक दुरुस्ती से न्याय करना जारी रखता है जिसका उसे सामना करना पड़ता है वह दो भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को रल्फी की मां को रैकेट ट्ररिंग के पैसे लौटाने के लिए बैल कमेल करते हैं और हाईवे स्टोर को लूटने के बाद एक बंदूकदारी को हथौड़े से पीटते हैं और उसकी माँ से एक सरकर्मी की विरासत की अंगूठी ले लेता है टेडी ने मैडी को यह जानने के बाद मार डाला कि उसने रॉबर्ट के बारे में जानकारी छिपाई थी और अलीना के साथ अपनी दोस्ती के बारे में झूठ बोला था वह एक पुलिस जासूस बनकर रॉबर्ट से उसकी अपार्टमेंट में मिलने जाता है लेकिन रॉबर्ट उसकी झांसे में नहीं आता टेडी ने चलने से पहले गला घोट दी गई की एक तस्वीर दिखाई और उसे चेतावनी के रूप में प्रस्तुत किया टीडी और उसका भाड़े का समूह दो मौके पर रॉबर्ट का उपहारण करने में असमर्थ है रॉबर्ट अपनी पूरी डी आई ए की सीए हुई सुशांत प्लमर और उनकी पति बारियन से मिलने गए वह टेडी की पहचान करने के लिए सुशांत से मदद मांगते वह उसे पूछती कर्ज के ऑपरेशन के बारे में बताती और टीडी का असली नाम निकोलाई लाई है जो स्पेट सनाज की ऑपरेटिव से रूसी गुप्त पुलिस एजेंट बन गए और सुशांत ने यह भी खुलासा किया कि निकोलाई ने बोस्टन पीढ़ी की दो जासूसों की हत्या कर दी और उनमें से फ्रेक मास्टर्स नाम के एक अन्य जासूस के बारे में कुछ दिनों से नहीं सुना गया था रॉबर्ट मास्टर्स का पता लगता है और उसे पुष्टिकरण के मनी लॉन्ड्रिंग गोदामों में गोदामों में से एक को नष्ट करने में मदद करने की धमकी देते पुलिस की आने पर मास्टर्स और पूर्सी के लोगों को हिरासत में ले लिया गया और उन्हें रॉबर्ट की तरह पैसे का पालन करने के लिए छोड़ा गया एक नोटा मिला वह निकोलाई से दोबारा भीड़ते और धमकी देते हैं कि अगर उसने उसका पीछा करने जारी रखा तो वह और अधिक नुकसान पहुंचाएगा। बाद में उसने पूछी के दो तेल टैंकड़ों को नष्ट कर दिया जवाब में निकोलाई ने रॉबर्ट की सहकर्मियों को मिलने के लिए मजबूर करने के लिए हाइडवेयर स्टोर में उसका उपहारण कर लिया निकोलाई को आर्य हुआ रॉबर्ट निकोलाई के साथ बैठक में शामिल नहीं हुआ और उसके बजाय बंधकों की रक्षा करने वाले लोगों को मार डाला निकोलाई अपने आदमियों के साथ आता है लेकिन रॉबर्ट वेयर स्टोर में एक तरह किए गए तत्कालिक हथियारों से चुपचाप उन सभी को एक एक करके नष्ट कर देता है जैसे ही निकोलाई रोल्फी को मारने वाला होता है जो मदद के लिए पीछे रह गया था रॉबर्ट निकोलाई को नेल गन से मार देता है तीन दिन बाद रॉबर्ट ने पुस्तिकन को अपनी मॉस्को हवेली में पाया उसके सभी गार्डों को मार डाला और उसे धोखे से बिजली का झटका देकर मार डाला कुछ समय बाद अलन ठीक होने के बाद रॉबर्ट के पास जाती है और बताती है कि उसने अपने अस्पताल के बिस्तर पर बचे पैसों से एक नया जीवन शुरू किया एलिना को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि रॉबर्ट ही अस्पताल में पैसे छोड़ गया था दूसरों की मदद करना जारी रखने के लिए प्रीत होकर रॉबर्ट डॉ एक वा... लाइजर के रूप में ऑनलाइन विज्ञापन पोस्ट करते अप्रैल ट्वेंटी फाइव में यह घोषणा की गई कि नर्मदा मेस ने ने द इक्वाइजर की स निर्माता माइकल स्लो के साथ साझेदारी की है। ऑन और नर्मदा टोनी एली ड्र एक अन्य परियोजना पर काम करते समय त्रृंगला को फिल्म में बदलने का विचार लेकर आए थे उसी वर्ष दिसंबर में द वेनस्ट कंपनी ने एक फिल्म की विकसित करने के अधिकार हासिल कर लिए थे जून ट्वेंटी सेवन में यह बताया गया कि माइकल कोनेली और टेरिले की फैक फोर को पटकथा लिखने के लिए नियुक्त किया गया था और पॉल मैक को निर्देशन करना था जून 2010 में यह घोषणा की गई थी कि रसोल को प्रॉल हैगिस की तरह निर्देशी द इक्वलाइजर को बड़े पर्दे पर लाने की कोशिश कर रहे थे जिसमें क्रो रॉबर्ट मैकल की भूमिका निभाते चार निभाना चाहते थे दिसंबर ट्वेंटी इलाम यह बताया गया कि डैंजल वर्सी गंटन फिल्म संस्कार की शीर्ष भूमिका में अभिनय करेंगे जिसे सोनी पिक्चर्स इंटरटेनमेंट और एस्केप की ऑटी सटर्स के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा ट्वेंटी ट्वेल्व में निकलस की वेडिंग रेफा ने रीमेक का निर्देशन करने के लिए बातचीत शुरू की लेकिन आगे कारणों से सोनी के साथ सौदा विफल हो गया ट्वेंटी वन की अस्कर विजेता फिल्म ट्रेनिंग डे पर उनके सफल से के बाद निर्देशन एंटोनी फुरकुआ ट्वेंटी वन मार्च ट्वेंटी थर्टी को निर्देशन के लिए ब्रोड पर आए और उन्होंने वर्षीय के साथ फिर से काम किया क्लोग्रेस मैरिटज को टेन मई ट्वेंटी थर्टी को सलाकार के रूप में घोषित किया गया था अन के लिए के मैकडोनाल्ड और नीना डोबरि पर भी विचार किया गया ट्वे थर्टी वन मई ट्वेंटी थर्टी को मलेशिया लियो को फिल्में लाया गया लियो ने पहले वर्षी गंडन के साथ ट्वेंटी ट्वेल्व फिल्म द फ्लाइट में और फकुआ के साथ लापसा की लापसा के लिए ही दोनों की ओल्पस हैज फॉलन ट्वेंटी थर्टी में काम किया स्वेक से लियो ने वास्तव में द डिफेक्ट नमक मूल की इक्वलाइजर टेलीविजन श्रृंखला के सीजन एक एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई थी, थी। जिसमें उन्होंने एक प्रोसेवियत एजेंट की बेटी की भूमिका निभाई थी जो संयुक्त रजय अमरीका जाने के लिए मैकल की मदद लेती है ट्वेंटी मई को ने सेकास को खलनायक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया मुख्य फोटोग्राफी मई ट्वेंटी थर्टी में हावेर हिल हैमी लटन इप्सविच और सेवेमप कार सहित पूरे बोस्टर में विभिन्न स्थानों पर शुरू हुआ फिल्म का सितंबर ट्वेंटी थर्टी में पूरा हुआ उस दृश्य में जहां माइकल अपनी कार में मास्टर्स का दम घोटने का प्रयास करते हैं यह जगुआर सिंह से जो टेल पाइप में नली के शॉर्ट प्रकट होते हैं मूल टेलीविजन श्रृंखला में जगुआर का प्रिशद रूप से उपयोग किया गया था 21 जून 2030 को हैरी ग्रेगसन की विलियम्स को फिल्म के लिए संगीत तैयार करने के लिए काम पर रखा गया था वर्सेस और बॉन्डी ने ट्वेंटी थ्री सितम्बर ट्वेंटी फोर्टीन को के लिए एक साउंड एलबी की एल्बम जारी किया रेपर एनी नेम का गाना गुटर्स ओवर फेयर जिसमें सिया ने अभिनय किया और जिसका निर्माण अमिल हैनी ने किया है। है का फिल्म के ट्रेलर में प्रीमियर किया गया गाना समापन क्रेडिट पर भी बजता है फिल्म की पहली आधिकारिक छवि सिक्स दिसंबर 2030 को जारी की गई थी सिक्स अगस्त ट्वेंटी ट्वेल्व को स्टोरी ने मूल रूप से इलेवन अप्रैल 2040 की रिलीज की तारीख की योजना बनाई थी लेकिन फाइव जुलाई 2030 को रिलीज की तारीख की 26 सितंबर तक बढ़ दी गई 2040 फिल्म का पहला आधिकारिक पोस्टर 60 अप्रैल 2040 को जारी किया गया था 22 अप्रैल को यूएसए से टुडेरी ने फिल्म की तस्वीरें जारी की 24 मई को फिल्म का टेलर जारी किया गया था ट्वेल जून को फिल्म का एक और आधिकारिक टेलर जारी किया गया सिक्सटी जुलाई को फिल्म का आईमैक्स पोस्टर जारी किया गया था फिल्म का प्रीमियर सितंबर ट्वेंटी को ट्वेंटी फोर्टी टू इंटरनेशनल फिल्म टॉल में आयोजित किया गया था सोनी ने ट्वेंटी सिक्स सितम्बर ट्वेंटी को दुनिया भर के सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज की द इक्वलाइजर को सोनी पिक्चर्स होम इंटरटेनमेंट की दर नाइन दिसंबर 2014 को ब्लू रे और डीवीडी पर रिलीज़ किया गया था बाद में इसी सिनेमागारों में सिकव रिलीज होने से तीन दिन पहले टेन जुलाई 2018 को अल्ट्रा एस डी ब्लू रे पर रिलीज किया गया था एक्लाइजर ने उत्तरी अमरीकी में वन वन मिलियन और अन्य क्षेत्रों में नाइन्टी एट मिलियन की कमाई की और दुनिया भर में वन नाइन्टी टू थ्री मिलियन की कमाई की इसका शुभ उत्पादन बजट फिफ्टीन ट्वेंटी थ्री मिलियन के बीच अनुमानित था यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्वेंटी सिक्स सितम्बर ट्वेंटी को रिलीज़ हुई थी और अपनी पहली ओपनिंग नाइट में थ्री ट्वेंटी थ्री थ्री सिक्स की थिएटरों में ट्वेल्व फाइव मिलियन डॉलर की कमाई की जिसमें गुरुवार रात के प्रदर्शन से टू सिक्सटी नाइन्टी थ्री से कमाए गए वन फोर्टी फाइव मिलियन डॉलर भी शामिल थे दूसरे दिन फिल्म ने थर्टी फाइव मिलियन डॉलर और तीसरे दिन 80 मिलियन डॉलर की कमाई की इसका शुरुआती दिन वाशिंगटन के लिए तीसरा सबसे बड़ा दिन है जो अमेरिकन गैंगस्टर फिफ्टी एट मिलियन और सेफ हाउस मिलियन के बारे अपने शुरुआती सप्ताह ने में फिल्म ने थ्री फोर वन मिलियन टेन एट सिक्सटी प्रति थिएटर कमाई और बॉक्स ऑफिस पर नंबर एक पर रही फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताह में बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े जिसमें सितंबर का सबसे बड़ा और रेटेड डेब्यू जैकस नंबर दो रिकॉर्ड ट्वेंटी नाइन मिलियन को पिछले छोड़ना सितंबर का सबसे बड़ा आई मैक्स ओपनर एंटोनी के लिए हैज को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी डेब्यू विकेट कमाई शामिल है फ्लॉन थर्टी मिलियन अप्रो द अमेरिकन गैंग और फोर्टी थ्री सिक्स मिलियन सिफ हा हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हॉलीवुड मूवी के बारे में तो दोस्तों अगर आप स्टीव टीज़ की फ़ैन और क्लाइजर फिल्म मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहती हूँ तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा द इक्वाइजर ट्वेंटी की अमेरिकी विजीलैंड एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एंटोनी फोकवा की तरह निर्देशित और रिचर्ड विंग की तरह लिखी था या द इक्वाइजर थ्री की पेरी किस्त और इसी सेंसर को उन्नाइन एटी की दशक की टीवी श्रृंखला पर आधारित है फिल्म में डैन जेल की गठन मुख्य भूमिका में साथ ही मॉर्टन सोकास, क्लो ग्रेस डेविड हॉबर बेल फुलमैन और मिलेशिया लियो भी है फिल्म में एक शिवानीवृत्त अमरीकी मरीर और डी आई एजेंट एक किशोर तस्करी प्रेत को रूसी माफिया के सदस्यों से जाने के लिए अनिच्छा से कार्रवाई में लौटता है और मुख्य फोटोग्राफी मई से सितंबर 2030 तक मैसाचुसेट्स में हुई द इक्वलाइजर का वित्त प्रीमियर सितंबर 2040 को 2040 फोर्टी टोरोंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आयोजित किया गया और इसी और इसी ट्वेंटी सिक्स के लिए ही सितंबर 2040 को दुनिया भर की सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था फिल्म को मिट्टी समीक्षा मिली और समीक्षकों से और दुनिया भर में वन टू मिलियन से आधी की कमाई की द इक्वलाइजर टू नमक सिक्वल ट्वेंटी जुलाई ट्वेंटी एटी को रिलीज किया गया था और द इक्वलाइजर थ्री वन सितम्बर ट्वेंटी टू थ्री को रिलीज किया गया था रॉबर्ट माइकल एक प्रो अमेरिकी मरीन और डी_आई_ए अधिकारी अब बोस्टन में एक साथ जीवन जीते हैं जहां वह एक बड़े बॉक्स ग्रो सुधार स्टोर में काम करते वह अपने सहकर्मी रल्फी को सुरक्षा गार्ड बनने के लिए प्रेरित करने में मदद करते सोने में असमर्थ रॉबर्ट अक्सर देर रात तक किसी रेस्तरा में पढ़ते रहते समय के साथ रॉबर्ट की रूसी माफिया की तरह तस्करी की गई एक किशोर कर्मी टेरी से दोस्ती हो गई यह अक्सर उन किताबों के बारे में बात करती है जो वह पढ़ है और रॉबर्ट का लक्ष्य है टेन हॉन्ड्रेड किताबें पढ़ने का है क्योंकि उसकी पत्नी ने पढ़ने का लक्ष्य बनाया था एक शाम टेडी ने बताया कि उसका असली नाम अलीना है और वह गायिका बनने का सपना देखती है रॉबर्ट और अलिना हटलने जाते लेकिन अलीना का दलाल सलामी सलावी अचानक आता है अलीना को मारता है और उसे एक कार में ज़बरदस्ती बैठा लेता है उसका ड्राइवर गाड़ी चलाने से पहले रॉबर्ट को उनकी एस्कॉर्ट सेवा के लिए एक बिजनेस कार्ड देता है कुछ रातों के बाद बुरी तरह से घायल अलीना को पास के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया। खबर सुनने पर रॉबर्ट वहां जाता है और अपनी दोस्त मैडी एक अन्य से सीखता है कि उसकी हालत के लिए स्लावी जिम्मेदार है रॉबर्ट स्लावी और उसके आदमियों को अपने रिश्तरा में पता है और जब वह नाइन एटी में अलीना की आजादी खरीदने की पेशकश करता है तो उसे साफ तौर से मना कर दिया जाता है वह कमरे और उनकी हथियारों का आकलन करते हैं अनुमान लगता है कि उन सभी को मारने में कितने सेकेंड लगेंगे और फिर ऐसा करता मरने से पहले आखिरी सेकेंड में इसलावी से बात करते हुए कहता है कि सलावी को सिर्फ पैसे लेने चाहिए थे उसे यह पता नहीं था कि सलावी और उसके लोग एक बहुत बड़े सीढ़ी कैट का हिस्सा जिसका नेतृत्व रूसी कुलनवर् की मीर पुसिकन कर रहे मुश्किल में पौरे तर्क डेटी रेंसन हमले की जांच के लिए बोस्टन पहुंचे मुसिकन की पेरोल पर पोस्टर पुलिस विभाग के जासूसों की सहायता से टेडी ने क्षेत्र में प्रतिद्वंदी गिरोह का प्रचार किया एक संदेश भेजने के लिए आयरिस भीड़ की लेफिट नेट लिटेन की जान लूनी को लगभग पीट पीट कर मार डाला रॉबर्ट अपराधियों पर सर तक दुरुस्ती से न्याय करना जारी रखता है जिसका उसे सामना करना पड़ता है वह दो भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को रल्फी की मां को रैकेटरिंग के पैसे लौटाने के लिए बैलेट कमेल करते हैं और हाईवे स्टोर को लूटने के बाद एक बंदूकारी को हथौड़े से पीटते और उसकी मां से एक सहकर्मी की विरासत की अंगूठी ले, ले लेता है टेडी ने मेडी को यह जानने के बाद मार डाला कि उसने रॉबर्ट के बारे में जानकारी छिपाई थी और अलीना के साथ अपनी दोस्ती के बारे में झूठ बोला था वह एक पुलिस जासूस बनकर रॉबर्ट से उसकी अपार्टमेंट में मिलने जाते लेकिन रॉबर्ट उसकी झांसे में नहीं आता टेडी ने चलने से पहले गला घोट दी गई मैडी की एक तस्वीर दिखाई और उसे चेतावनी के रूप में प्रस्तुत किया टीडी और उसका भाड़े का समूह दो मौके पर रॉबर्ट का उपहारण करने में असमर्थ है रॉबर्ट अपनी पूरी डी आई ए की सीए हुई सुशांत प्लमर और उनकी पति बारियन से मिलने गए वह टीडी की पहचान करने के लिए सुशांत से मदद मांगते वह उसे पूरी कर्ज ऑपरेशन के बारे में बताती और टीडी का असली नाम निकोलाई लाई है जो स्पेट सनाज की ऑपरेटिव से रूसी गुप्त पुलिस एजेंट बन गए और सुशांत ने यह भी खुलासा किया कि निकोलाई ने बोस्टन पीढ़ी की दो जासूसों की हत्या कर दी और उनमें से फ्रेक मास्टर्स नाम के एक अन्य जासूस के बारे में कुछ दिनों से नहीं सुना गया था रॉबर्ट मास्टर्स का पता लगता है और उसे पुशिकन के मनी लॉन्ड्रिंग गोदामों में गोदामों में से एक को नष्ट करने में मदद करने की धमकी देते पुलिस की आने पर मास्टर्स और पूर्सी के लोगों को हिरासत में ले लिया गया और उन्हें रॉबर्ट की तरह पैसे का पालन करने के लिए छोड़ा गया एक नोटा मिला वह निकोलाई से दोबारा भीड़ते और धमकी देते हैं कि अगर उसने उसका पीछा करने जारी रखा तो वह और अधिक नुकसान पहुंचाएगा। बाद में उसने पूछी के दो तेल टैंकड़ों को नष्ट कर दिया जवाब में निकोलाई ने रॉबर्ट की सहकर्मियों को मिलने के लिए मजबूर करने के लिए हाइडवेयर